मेरे पास मैथमेटिक्स का सेट डी है, डी सेट। अब देखिए बेटा, डी सेट जो आप देख रहे हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स का है। इसमें मैट्रिक्स का भी कॉन्सेप्ट यूज आ रहा है, साथ में पीएनसी का भी कॉन्सेप्ट यूज आ रहा है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिक्स ईच हैविंग फोर एंट्रीज दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4। 1 2 3 4 रिपीटेशन इज अलाउड। ये पीएनसी और मैट्रिक्स दोनों का एक कंबाइंड क्वेश्चन रहेगा। आप इसमें देखेंगे ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न से क्वेश्चन है। एनसीईआरटी पैटर्न में आपने दिया होगा एक 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है। एनसीईआरटी पैटर्न में जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी पैटर्न का जो क्वेश्चन है इसमें आपका 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है और यहां पे आपको एक पैटर्न नहीं गिवन है, पैटर्न के अलावा आपको पैटर्न दिया हुआ है। देखिए यहां पे 4 डिजिट दे रखे हैं और यहां पे 4 एंट्रीज हैं। तो अगर आप मैट्रिक्स की बात करेंगे तो 4 एलिमेंट्स का मैट्रिक्स बनाते हैं, तो एक तो 4 × 1 का मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है, एक आपका 1 × 4 का मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है, एक आपका 2 × 2 का मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकता है। मतलब आपके पास 3 मैट्रिक्स बन सकते हैं। जी सर, ये 3 मैट्रिक्स 1 × 4, 4 × 1 एंड 2 × 2, ये 3 मैट्रिक्स बन सकती है। एक मैट्रिक्स का जो आंसर है, आप देखेंगे हर मैट्रिक्स में 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन है तो 4 की पावर 4, मतलब आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो है 2 की पावर 8, मतलब 216। और ये 216 3 बार काउंट करेंगे तो आपका जो आंसर मिलेगा आपको ये मिलेगा डी ऑप्शन 7680। ये आपका आंसर है डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइजेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे आपको ग्राफ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फंक्शन से भी कर सकते हैं। ग्राफ से आप देखते हैं तो आप देखेंगे, ग्राफ से आप देखते हैं तो इसमें एक्स की पावर 6 x mod x का ग्राफ देखेंगे। x mod x का आप ग्राफ देखेंगे, x mod x का ग्राफ जो है वो इस पैटर्न से बनेगा आपका, इस पैटर्न से आपका ग्राफ बनेगा। और इस पैटर्न का आप ग्राफ नोट करेंगे तो इस पैटर्न में आप देखेंगे ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव होता है। और ये जो cos pi x का ग्राफ आप देख रहे हैं, cos pi x का ग्राफ देखेंगे, ये इवन फंक्शन रहेगा। और इवन फंक्शन है तो इसका जो आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड का आंसर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर रहेगा ओनली वन। जो x mod x है यही आपका बाइजेक्टिव रहेगा। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है रिलेशन का, अगेन यहाँ -1 से 1 का इंटरवल दिया हुआ है और पूछा है कि फंक्शन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब आप देखेंगे x + y < 2, अब आप यहाँ -1 से 1 की वैल्यूज आप डाल के देखेंगे, चाहे रिफ्लेक्सिव चेक करें, सिमेट्रिक करें, ट्रांजिटिव करें, तो ये जो रिजल्ट है ये आपका आएगा इक्वलेंस। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का आंसर रहेगा डी, आपका आंसर है थर्ड का। ओके, इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की। ए 3 non-empty सेट ए बी सी, वॉट इज ए यूनियन बी। और यहां डायरेक्टली एक एंट्री यूज कर रखी है, देखिएगा ये जो डायरेक्ट एंट्री दे रखी है इसका वैल्यू और ए यूनियन बी का वैल्यू, दोनों का सेम आंसर है। और अब ये दोनों आंसर सेम रहेंगे तो इसका जो रिजल्ट निकालेंगे फाइनली आएगा 0, जिनको हम बोलेंगे सेट में नल सेट। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा आपका नल सेट। यस, फोर्थ के बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा फिफ्थ क्वेश्चन, ए बी सी आर 3 साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन वॉट इज द वैल्यू। अब आप यहाँ वैल्यूज निकालेंगे, इस वाले डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालेंगे। अब बहुत सारे तरीके हैं, आप वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, एंगल अज्यूम कर सकते हैं। जब आप डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। तो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ का आंसर रहेगा आपका ए 0, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जी, इसके बाद में हमारे राठौड़ सर हैं, वो आपको क्वेश्चन कराएंगे, इसी सीरीज में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डी सेट का क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। यस यस सर, डी सेट का 6 क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन आपको? यस सर। थैंक यू सर। जी सर, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है। इफ एबीसी आर इन एपी, इफ एबीसी आर इन एपी एंड बीसीडी आर इन जेपी एंड सीडी आर इन एचपी, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इफ एसीई आर इन जीपी एंड ये दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना व्हिच वन इज द राइट स्टेटमेंट। तो अगर आप यहां पर प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे इसके अंदर, अगर आप वन बाय वन इसके अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि अगर एबीसी आर जीपी गिवन है, एपी गिवन है, तो आपको पता है कि तीन टर्म एपी के अंदर होगी, तो इसके अंदर आप देखोगे ये 2b इक्वल टू अपना क्या बनेगा, a प्लस सी। और इसके अंदर सेकंड आपको कंडीशन जो गिवन है बीसीडी आर जीपी, तो इसके अंदर आप जीपी की कंडीशन लगाओगे देन सी स्क्वायर इक्वल टू बीडी। एंड नेक्स्ट वन आपको गिवन है इफ सीडी आर इन एचपी, तो अगर सीडी आर इन एचपी है देन डी इक्वल टू अपना क्या बनेगा, डी अपना होगा 2 इंटू सी अपॉन में सी प्लस ई। अगर आप इसके अंदर यहां पर इस इक्वेशन में बी और डी की वैल्यू, बी की वैल्यू यहां से पुट करनी है और डी की वैल्यू यहां से पुट करनी है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर आप ए सी ई की वैल्यू जो आएगी वो जीपी के अंदर आएगी, यानी कि फर्स्ट वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड अगर आप देखोगे, अगर किसी जीपी का रिसिप्रोकल लोगे तो आपको पता है रिसिप्रोकल लेने से कॉमन रेशियो होगा जो अपना, वो रिसिप्रोकल हो जाएगा और बाकी स्टेटमेंट ये सेकंड वन भी अपना राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 7, इसके अंदर दे रखा व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस। इन दोनों लॉग की प्रॉपर्टी अगर अपन अप्लाई करेंगे और इसको जब सिंप्लीफाई करूंगा, इस क्वेश्चन में देखोगे यहां पर बेस आपको 4 गिवन है, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप इसके अंदर लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये आपका बन जाएगा 1/2 x-1 base 2 इक्वल टू लॉग बेस 2 और ये आपका बनेगा x-3। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं तो 2 इसका स्क्वायर होकर अपनी जो इक्वेशन बनेगी x-3 का स्क्वायर इक्वल टू आपका बनेगा x-1। ये आपकी क्वाड्रेटिक है, जब आप क्वाड्रेटिक को इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके इक्वेशन बनेगी x²-7x+10=0। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो x की दो वैल्यू आएगी आपकी, x की एक वैल्यू आएगी 2 और सेकंड वन आएगी 5। अगर आप इसमें x=2 पुट करोगे तो यहाँ पर ये लॉग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि लॉग का जो बेस होता है वो 1 नहीं होना चाहिए और लॉग जिसका भी लिया जाए वो अपनी पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ओनली 5 है जो सेटिस्फाई करेगा, तो इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो अपना 1 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके गिवन है 4x and y > 1। अब इसमें भी आपको लॉग का एक सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है, इसके अंदर भी अगर आप लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो आप इसके अंदर लॉग a बाई बी की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो फर्स्ट वन बनेगा 1 - log y base x और सेकंड अगर आप इसको लिखोगे तो ये अपना बनेगा 1 - log आपका x बेस y है, तो आप इसको करेक्ट करोगे ये x बेस y और ये y बेस x इक्वल टू आपको k गिवन है। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 2 - अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये log x बेस y प्लस के अंदर log y बेस x। आपको अगर एक प्रॉपर्टी पता हो, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि x+1/x इसकी वैल्यू ऑलवेज >2 होगी या =2 होगी, तो अगर आप इसे देखो तो ये 2 - 2 ये कह रहा है कि कैन नेवर बी इक्वल टू। तो आप यहाँ देखोगे ये जो वैल्यू है इसको अगर आप मान लो x भी इसको अल्फा ज्यूम कर लो तो α+1/α की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो सकती। तो आप 1/1 देखोगे तो ये वाली वैल्यू आपकी 1 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि ये 2 या 2 से > होगा, 2 या 2 से > ये वाली वैल्यू आपकी 2 हो सकती है, 2 से > तो ए बी सी तीनों इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी लेकिन ऑप्शन डी 1 कभी भी इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे इसका जो राइट आंसर है वो अपना राइट आंसर डी है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, उसमें कह रखा है कि सिंपल बेसिक सा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर ये कह रखा है कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। आपको पता है कि अगर इनवर्स का अगर आप कंसेप्ट देखो तो इनवर्स का कंसेप्ट अपना क्या है, इनवर्स का कंसेप्ट ये होता है कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स होगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डेटमेंट ऑफ ए। अगर आप इस मैट्रिक्स का डेटमेंट फाइंड आउट करोगे तो इसका डेटमेंट्स की वैल्यू 1 आ रही है, अगर डेटमेंट की वैल्यू आप इक्वल टू 1 होगी तो ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट के। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो राइट डाउन मतलब राइट है। और सेकंड देखोगे ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आपको प्रॉपर्टी पता है कि इसके डायगनल जो भी एलिमेंट्स होंगे तो डायगनल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ पर देखोगे इसके डायगनल एलिमेंट्स की वैल्यू 0 नहीं है तो ये सेकंड कैंसिल आउट। और थर्ड आप देखोगे कि ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की है और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आपकी प्रॉपर्टी है वो आपको पता है कि अगर ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा
तो अपनी मैट्रिक्स कौन सी होगी? ऑर्थोगोनल। तो इसके अंदर जब आप a इक्वल टू a ट्रांसपोज करोगे तो थर्ड वन भी आपका राइट स्टेटमेंट होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर रेज़ टू पावर 20। आप अगर इस वाली इक्वेशन को देखो, तो इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आपकी इक्वेशन बन रही है x माइनस 1 अपॉन x। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये इक्वेशन आपकी बनेगी। अगर पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में लेके आ सकते हो और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर माइनस कॉमन लोगे तो इस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, ये माइनस की पावर अगर आपको ऑड गिवन है, अगर माइनस की पावर ऑड गिवन है तो माइनस बाहर आएगा और ये इक्वेशन आपकी बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 20। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये पावर तो हो जाएगी 10, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर आएगा एक्स की पावर 10 अपॉन में 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी रेज टू पावर हो जाएगी आपकी 10। इसको सिंप्लीफाई करके कैंसिल आउट करोगे तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर आपकी 10 होगी और ये एक्स रेज टू पावर 10। बाइनोमियल का कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो इसके टोटल मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आपका सॉल्यूशन आना चाहिए वो एक्स की पावर 10, तो इसके अंदर जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बनेगा 10 से 0 और नेगेटिव आपका बाहर है तो 10 से 0 की वैल्यू आपकी क्या होगी? 1 होगी। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो आपका आएगा माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखोगे ABC इज अ ट्रायंगल सच दैट, इसके अंदर देखोगे एंगल सी गिवन है और इसके अंदर कोस ए प्लस कोस बी, इसमें सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे कोस ए प्लस बी का तो ये आपका बनेगा 2 कोस ए प्लस में बी बाई 2 अपॉन में आप लिखोगे कोस ए माइनस बी बाई 2 और आप इस वैल्यू से डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कैंसिल आउट कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा कोस ए माइनस बी बाई 2, इससे कैंसिल आउट होगा। आपको पता प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अंदर अगर आप कोस ए प्लस बी बाई 2 लोगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? इसकी वैल्यू होगी आपकी साइन सी बाई 2, तो ये कैंसिल आउट, ये आपका क्या हो गया? साइन सी बाई 2। सी की वैल्यू आपको 60 दे रखी है तो यहाँ के साइन कितना हो जाएगा? साइन 30। साइन 30 की वैल्यू आपकी होगी 2 इंटू में साइन 30 की वैल्यू आप लिखोगे 1 बाई 2, कैंसिल आउट करोगे तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको इसकी वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में जब मैं इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा तो आप यहाँ कोट इनवर्स 3 है, अगर मैं थीटा ज़ूम करता हूँ तो यहाँ से मेरी थीटा की जो कोट थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 3, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँ तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1 बाई 3। टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई 3 आ गया, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डिनोमीटर में लेके जाऊँगा तो ये इक्वेशन होल पावर में आप कर सकते हो, होल पावर करोगे तो ये इक्वेशन आपकी बनेगी 1 माइनस में और ये बन जाएगा 10 पाई बाई 4। अगर इस इक्वेशन को लिखोगे तो थोड़ा सा, अगर आप देख इसमें, अगर मैं इस इक्वेशन को अगर मैं डिनोमीटर में लेके जाऊंगा तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बनेगी 10 पाई बाई 4 माइनस में 2 थीटा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, इसका होल स्क्वायर है ये, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 माइनस 10 2 थीटा होगी और न्यूमिनेटर में आपका बनेगा 1 प्लस के अंदर 10 2 थीटा, इसका आपका होल स्क्वायर गिवन है। मैं जस्ट इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं अभी। अब यहां से आप 10 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, 10 थीटा इक्वल टू 1 बाई 7 है, तो अगर मैं 10 2 थीटा, अगर 10 2 थीटा को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बनेगा 2 10 थीटा अपॉन के अंदर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस आपका ये 10 स्क्वायर थीटा है तो 10 थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 2 बाई 3 अपॉन में 8 बाई 9 सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 बाई 4। अब 10 2 थीटा की वैल्यू 3 बाई 4 यहाँ पुट करोगे तो 1 प्लस 3 बाई 4 आपका होगा 7 बाई 4 और अपॉन में आपका हो जाएगा 1 बाई 4, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गए, बचेगी 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49, 49 प्लस 15 होगा आपका 64 और 64 का स्क्वायर रूट आपका बनेगा सी। इसका राइट आंसर क्वेश्चन होगा 12 का ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर सिंपल सा ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आप इस वाले इक्वेशन में आपको देखा साइन 10 इंटू साइन 50 प्लस के अंदर साइन 50 साइन 25 और ये, अगर मैं इस वाली इक्वेशन के अंदर अगर साइन 250 कॉमन लेता हूँ तो मेरी इक्वेशन जो बनेगी वो आपकी होगी साइन 10 और इंटू में साइन 50
और प्लस के अंदर मैं अगर साइन 250 कॉमन ले लेता हूं तो साइन ये आपका बनेगा साइन 250 और सिंपलीफाई करने पर ये होगा साइन 50 प्लस के अंदर आपका हो गया है साइन 50 प्लस में साइन 10। अब अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर इस वाली इक्वेशन में साइन 50 प्लस साइन 10 का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये आपका बनेगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 यानी कि साइन 30 और ये आपका नेक्स्ट होगा कोस 20। साइन 30 की वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगी तो इसका ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलेगा वो आपका बनेगा 20। जो साइन 250 है ये अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन 70 नेगेटिव। साइन 70 को कोस में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका होगा कोस 20। कोस 20 इससे मल्टीप्लाई हो गए कोस स्क्वायर 20। अब आप इन दोनों के अंदर इस इक्वेशन में आपको एक गिवन है साइन 10 और ये होगा आपका साइन 50। आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करें और आप इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें। जब आप इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करोगे या 2 साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो इसको सिंपलीफाई करने पर इसकी जो वैल्यू बनेगी इस वाले ओवरऑल की वैल्यू जो बनेगी इसको 1/2 करोगे और ये 2 साइन ए प्लस बी में ये हो जाएगा आपका कोस 40 और ये हो जाएगा माइनस के अंदर आपका होगा कोस 60। साइन 2 साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे कोस 40 माइनस ये आपका कोस 60 है और इसमें अगर आप अप्लाई करोगे माइनस कॉमन लोगे तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस के अंदर कोस 40। अगर आप इसे सिंपलीफाई करोगे कोस 40 से कोस 40 कैंसिल आउट इसकी वैल्यू 1/2 होगी तो ये माइनस का 3/2 1/2 से मल्टीप्लाई होके जो आपका फाइनल आंसर बनेगा वो आपका बनेगा माइनस का 3/4। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका है माइनस का 3/4। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी वेज है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला है। इसमें सीधा सा आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो इसके अंदर जो कंक्लूजन निकल के आएगा इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद इस वाले इक्वेशन में तो टेन इनवर्स 1 आएगा और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू आपकी 5/4 है तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ऑप्शन बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको गिवन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द इक्वेशन दिस कोस बीटा माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस कोस बीटा एक्स प्लस साइन बीटा इक्वल टू 0 इन द एक्स रियल रूट्स। यहाँ पर देखोगे रूट्स क्या गिवन है आपको रियल रूट्स। रियल रूट्स की अपनी कंडीशन क्या होगी कि डी की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू आपकी किससे होगी 0 से। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये इक्वेशन जो बनेगी ये बनेगी कोस स्क्वायर बीटा ये बी स्क्वायर माइनस 4 ए से लूँगा तो ये आपका बनेगा माइनस 4 और अगर मैं ए की वैल्यू लिखूँगा तो कोस बीटा माइनस 1 और ये आपका बन जाएगा साइन बीटा ये आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू आपकी 0 के इक्वल होगी। इस इक्वेशन में आपको इस वाले की वैल्यू ये देखोगे सभी ऑप्शन में 1 माइनस कोस बीटा 1 माइनस कोस बीटा है इसके अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बनेगा 1 माइनस कोस बीटा ये वैल्यू यहाँ को चेंज होगी तो ये आपका बन जाएगा माइनस कोस स्क्वायर बीटा अपॉन में 4 और ये साइन बीटा। अब आपको पता है जो बीटा एंगल है वो बीटा एंगल की रेंज क्या दे रखी है 0 to π तो ये वैल्यू पॉजिटिव स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव तो ये ओवरऑल आपकी क्या बनेगी नेगेटिव। यहाँ बीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये पॉजिटिव होगा इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो भी ये नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव तो ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगी इससे ग्रेटर देन होगी तो अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो ये आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अगर मैं देखूँ तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको गिवन है एक ट्रेंगल गिवन है। इस ट्रेंगल में आपको सिंपल सा कंसेप्ट अप्लाई करना है ये अगर आप फॉर्मूले पता हो आपको तो कोस 2a का जो फॉर्मूला बनता है तो ये आपका बनेगा 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूँगा तो ये आपका बनेगा 2 कोस स्क्वायर b माइनस 1। थर्ड वन को अगर मैं सिंपलीफाई करूँगा तो ये बनेगा 2 कोस स्क्वायर c माइनस 1। तो अगर इस वाले में मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी कोस स्क्वायर a प्लस के अंदर कोस स्क्वायर b और प्लस के अंदर कोस स्क्वायर c और ये माइनस 3 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर आपको ट्रेंगल गिवन है तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि कौन सा ट्रेंगल है। अगर आपको साइड्स गिवन है ये 60 ये 63 और ये तो अगर आप ये देखोगे तो राइट एंगल ट्रेंगल है। राइट एंगल ट्रेंगल के अंदर आप देखोगे अगर आपको कोई राइट एंगल ट्रेंगल गिवन है तो इसमें सबसे बड़ी साइड्स आपको 65 दे रखी है तो ये आपका अगर ए सी होगा ये बी होगा जो बी सी साइड है वो आपको 63 गिवन है और ये बी की वैल्यू 12 गिवन है। राइट एंगल ट्रेंगल के अंदर आपको पता जो बी एंगल है क्योंकि मैक्सिमम साइड के सामने वाली साइड तो ये देखोगे B एंगल आपका कितना आएगा 90 डिग्री। तो अगर B 90 है तो A प्लस सी कितना हो जाएगा इन दोनों का सम भी 90 के इक्वल होगा तो इस वाले की वैल्यू आपकी 1 के इक्वल आएगी ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगी तो 2 माइनस 3 किसके इक्वल होगा आपका माइनस 1। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन 16 का ए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 17, सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में 5π/4, अगर मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूं तो ये आपका जो बन रहा है ये 10 अल्फा प्लस बीटा, अगर देखोगे तो ये 1 के इक्वल हो गया है। तो इसके अंदर जो आप 10 अल्फा प्लस के अंदर 10 बीटा और ये आपका डिनोमिनेटर में लिखोगे 1 - 10 अल्फा और ये 10 बीटा, ये किसके इक्वल होगा, ये 1 के। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी जो इक्वेशन आ रही है 10 अल्फा प्लस के अंदर 10 बीटा और प्लस के अंदर 10 अल्फा और ये 10 बीटा, ये आपकी इक्वल टू वैल्यू होगी 1 के। इसके अंदर एफ अल्फा और एफ बीटा की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। एफ अल्फा और एफ बीटा अगर आप यहाँ अल्फा बीटा पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी 1 प्लस के अंदर 10 अल्फा और ये आपकी नेक्स्ट बनेगी 1 प्लस के अंदर 10 बीटा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो नीचे वाली इक्वेशन को तो ये इक्वेशन आपकी बनेगी 1/1 प्लस में 10 अल्फा प्लस के अंदर आपका 10 बीटा और प्लस के अंदर 10 अल्फा और ये 10 बीटा। इस ओवरऑल की वैल्यू आपकी 1 होगी, 1 + 1 कितना होगा 2, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1/2 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपको गिवन है कि 10 अल्फा 10 बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। इसके आपको जो रूट है वो 10 अल्फा और 10 बीटा गिवन है। आपको बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके रूट आएंगे 2 और 4। अगर मैं 10 अल्फा की वैल्यू, अगर 10 अल्फा इक्वल टू 2 और 10 बीटा, अगर 10 बीटा इक्वल टू मैं 4 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा अगर ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है तो ये कोस, ये देखोगे कोस, ये देखोगे 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला अगर मैं 10 के अंदर जाऊँ तो ये आपका फॉर्मूला बनता है 1 - 10² अल्फा प्लस बीटा और डिनोमिनेटर में अगर मैं लिखूँ तो 1 प्लस के अंदर 10² अल्फा प्लस बीटा। ये सिंपल सा क्वेश्चन में अगर अपन 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सेटिस्फाई अगर सिंप्लीफाई कर लें तो 10 अल्फा प्लस बीटा की अगर जो यहाँ से वैल्यू आएगी तो ये आएगी 2 + 4 कितना होगा 6 और 1 - 8 ये यानी कि -6/7। ये -1/6/7 पुट करूँगा तो ये क्वेश्चन बनेगी 1 - 36/49 और अपॉन में बनेगी 1 प्लस के अंदर 36/49। 49 से 36 सबस्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13/85। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे रखा है, ये सिंपल सी इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपको, क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको गिवन है ये सिंपल सी इक्वेशन। आप इस वाले के अंदर और इस वाले को अगर आप कंपेयर करो, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे 1040 प्लस के अंदर 25 और -210 40, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे इस वाले को इससे सब्सट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 1025। 1025 -1025 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका जो बचेगा वो रिमेनिंग बचेगा 21045। 21045 की वैल्यू 1 और आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपको गिवन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको दो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट गिवन है। इन ए ट्रायंगल ABC कोट ए कोट बी कोट सी, ये पॉजिटिव है, देन द ट्रायंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और सेकंड स्टेटमेंट आपको गिवन है इन ए ट्रायंगल ABC टेन बी अगर पॉजिटिव हो देन द एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन ओ आर करेक्ट। अब यहाँ पर आपको बेसिक सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। आपको पता है कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट में मैं जाऊँ ये पॉजिटिव कब होता है, आपको सिंपल सी चीज़ें पता है कि अगर कोट माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कोट थीटा। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है कोट ए कोट बी और कोट सी, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, या तो दो नेगेटिव एक पॉजिटिव हो या ऑल आर पॉजिटिव हो। अगर आपका ABC नेगेटिव होगा तो आपका एंगल बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो इन दोनों की वैल्यू किससे होगी 90 से ग्रेटर देन, और अगर दो एंगल 90 से ग्रेटर देन होगा तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, फर्स्ट वाला कंसेप्ट। और सेकंड अगर तीनों पॉजिटिव होंगे तो आपका एंगल कौन सा आएगा, एक्यूट एंगल। यानी कि ये दो ही कंडीशन हो सकती है, इसमें आपको पता फर्स्ट वाली पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट में देखोगे यानी कि ये तीनों पॉजिटिव होंगे तो इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, एक्यूट एंगल आएगा, तो ये फर्स्ट वन इज़ द राइट स्टेटमेंट। सेकंड आपको ये भी पता है 10 - थीटा किसके इक्वल होगा, -10 थीटा, तो इसमें ये -cot थीटा था, तो अगर -10 थीटा के इक्वल है तो इसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो तीनों अगर ये पॉजिटिव होंगे तभी सेटिस्फाई होगा, और तीनों पॉजिटिव होंगे तो एंगल कौन सा होगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होगा तो इसमें क्या गिवन है, ऑब्ट्यूज एंगल, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, तो आपका राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। अब अपने मलिक सर आएंगे, वो कंटिन्यू करेंगे।
कितना टाइम लगेगा? हाँ जी डियर एस्पेरेंट्स, मुझे लगता है कि पेपर को देखकर आपके भी बहुत एक्साइटमेंट हुई होगी और मुझे लगता है कि प्रिंस एनडी एकेडमी के बच्चों ने फोर डाला होगा जिस हिसाब का ये पेपर आया हुआ है। नाउ अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, टू साइड ऑफ द स्क्वेयर आर ऑन लाइज ऑन, ओके अपने को एक स्क्वेयर दिया है, एक स्क्वेयर देखो ये लाइन और ये लाइन, ध्यान से देखेंगे तो ये दो लाइनों आपस में पैरेलल है, पैरेलल है तो एक लाइन की इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, सेकेंड लाइन की इक्वेशन इसको डिवाइड किया जाएगा 2 से तो 2x प्लस वाई प्लस 5 बाई 2 इक्वल टू 0। हमें इस स्क्वेयर का एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करने के लिए स्क्वेयर की साइड चाहिएगी और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमारे लिए किसका काम करेगी, साइड का। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस सोल्व करोगे a की वैल्यू आएगी 11 बाय 2 रूट 5 एंड आफ्टर दैट स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर 121 डिवाइडेड बाय 4 इंटू रूट 5। आफ्टर सिंप्लीफाई दिस आंसर विल बी 6.05। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ए बी सी इज ए ट्रेंगल विद साइड विद वर्टेक्स ए इज 3.5। नाउ दिस इज द वर्टेक्स दैट विल बी 3.5। मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी, साइड ए बी दैट विल ए बी एंड ए सी दैट विल बी द मिड पॉइंट -1.2। नाउ ए सी 6.4। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, बाई यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला we can calculate the coordinate of B and C and after that centroid formula will be x1 plus x2 plus x3 divided by 3 and y1 plus y2 plus y3 divided by 3 and after solving this answer will be B. So centroid of the triangle will be 7/3. Now next question. Question number 23. क्वेश्चन नंबर 23 स्लाइड से करो, आगे जाएगा स्लाइड से। आगे जा रहा है तो हाँ जी बेटा, तो आप देख सकते हैं जहां तक मेरा एनालाइज है ना, क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि अगर आप लोग ढूंढ ढूंढ करके भी क्वेश्चन करते तो 50 से 60 क्वेश्चन आप कंप्लीट इस क्वेश्चन में कर सकते हैं पेपर में। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि छोड़ने के थे, कैलकुलेटिव थे, अगर बच्चा उनमें फंस जाता है तो फिर वो कैलकुलेशन का शिकार हो जाता है। तो वहां पे तो आपको यहां पे स्किप करने का जो प्रोसेस है ना, क्वेश्चन ये स्किप करने वाला वो ज़्यादा बढ़िया अगर जिसका होता है ना, वो एनडीए को काफ़ी अच्छे से समझ आता है और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देता है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 23 पे हैं, लाइए सर क्वेश्चन नंबर 23। ओके क्वेश्चन नंबर 23, ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ A, B, C is an isosceles triangle. Side AB and AC are equal.
So let this angle will be theta. Now equation of the side AC. यहाँ दिया हुआ है टू इक्वल साइड ए बी एंड ए सी. ए बी की इक्वेशन है 7x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू जीरो. इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू जीरो. बाई द वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए बाई यूजिंग द फॉर्मूला tan a इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cot theta. Now in the triangle ABC, angle A plus theta equal to 180 degree. Now 2 theta will be 180 degree minus A. Theta will be equal to 90 minus A by 2. We have to find out the value of cot theta. Now cot theta will be equal to cot 90 minus A by 2. That will be equal to 10 A by 2. We can after this, by using the formula 10 a by 2, if we calculate the value of cot theta, then answer will be 23, answer will be 1 by 2. Answer will be 1 by 2. Now, question number 24. Question number 24. There is a parabola that will be equal to y square equal to 4 a, y square equal to 8x. Y square equal to 8x, it means it will be comparable y square equal to 4ax and a will be 2. Okay, now focal distance of the P on it is 8 unit. Focal distance. Parabola pe focal distance kisi bhi point ki. First of all, point P let kare parametric form. At square comma 2at. And now the parametric focal distance of the point is x coordinate plus a. That will be equal to, according to question is 8. Now x coordinate will be a t square plus a equal to 8. Value of a will be 2. If we solve this, t square will be equal to 3 and t equal to plus minus square root of 3. In this question, the first statement, the coordinate of p can be, this is the most important thing, can be, it means t ka value kitni aayi hai, 2 plus root 3 or minus root 3. Agar aap plus root 3 se solve karenge, to p ke coordinates 6, 4 root 3. If, agar aap isko neglect karte ho, neglect tab kar sakte the, jab yahan pe word likha hota, must. Okay, now, the perpendicular distance of the p from the directrix of the parabola is 8 unit. Perpendicular distance of किसकी P की कहाँ से directrix से अगर वो distance निकालेंगे तो वो भी हमारे पास कितनी आएगी 8 unit ही आएगी. इसीलिए question number 24 का answer आएगा both C and B. Question number 25. What is the eccentricity of the ellipse angle between the straight line? Okay, now this is the foci F1 and F2 and this is the ellipse. Now that this is the extreme point of minor axis, according to this, this line joining the foci is made angle 90 degree on the extreme point. This will be point of AE comma 0, that distance will be AE. Okay, and this red will be the angle of 45 degree because this is the sides are equal. So perpendicular angle will be 45 degree. That's why this side equal to this side. According to this, AE will be equal to this length and that will be B. According to this, E equal to B by A. After solving this, the eccentricity of the ellipse will be, question according to question 25, answer will be D. That will be 1 by root 2. Now next, 26. Okay, in this question, A vector equal to I plus I minus J plus K. B vector equal to this. A vector cross B vector cross A vector. This is the vector cross product, triple product. A vector cross B vector cross A vector. Formula apply kiya jayega. Formula hota hai A vector cross B vector cross C vector will be equal to
ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू सी वेक्टर। आफ्टर दिस इफ वी अप्लाई दिस वी सॉल्व दिस एंड दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर। आफ्टर सिंप्लीफाई दिस देयर विल बी कोऑर्डिनेट दैट विल बी 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। बट इन दिस इफ वी कंपेयर दिस देन अकॉर्डिंग टू दिस आंसर विल बी अल्फा विल बी 5 बीटा विल बी -4 एंड गामा विल बी -1। इफ वी सॉल्व दिस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट विल बी वैल्यू 0 बट इफ वी पुट हियर प्लस पॉजिटिव देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी 8। तो अकॉर्डिंग टू दिस देयर इज सम प्रिंटिंग मिस्टेक सो आई थिंक दिस इज अ बोनस फॉर एवरीवन। तो इसका आंसर 8 आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 वेक्टर है वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 2 यूनिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बाय ऑप्शन चेक करो किस किस का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट आ रहा है। सबका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट आ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे बोला हुआ है के कैप के साथ कितने डिग्री एंगल बनाता है थीटा और वो भी क्या एक्यूट। अगर एक्यूट एंगल बनाएगा तो इसका जेड कंपोनेंट जो होगा पॉजिटिव होगा और जेड कंपोनेंट पॉजिटिव ए और सी में है तो हमें इनमें से ही कोई एक देखना है। नाउ अब बात करो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पाई बाय 4 किसके साथ जे कैप के साथ और जे कैप ये 3 जे कैप कंफ्यूज करने के लिए कोई मतलब नहीं है। 3 जे कैप पाई बाय 4 एक्यूट एंगल होता है एक्यूट एंगल अगर जेड एक्स वाई एक्सिस के साथ है तो वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा और दोनों में वाई कंपोनेंट पॉजिटिव केवल किसमें है इसमें। तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है आपको सीधा सीधा आंसर लगा देना है आंसर ए। नाउ ये तो एक फिजिक्स का है क्वेश्चन है लेकिन अपने वेक्टर में आता है हम बताए भी तो बताते भी हैं बच्चों को। मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको आप टॉर्क बोलते हैं और टॉर्क जो होता है वो एप्लीकेशन इज इंडिपेंडेंट नहीं होता। टॉर्क फॉर्मूला एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर व्हेन आर वेक्टर इज चेंज टॉर्क विल बी चेंज। ऑप्शन ये स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए लीनियर इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिल्कुल टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि टॉर्क किसके बराबर होता है एफ क्रॉस आर और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है इसीलिए पहला गलत दूसरा सही ओनली 2 बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट 29 सबसे इजी क्वेश्चन इस एनडी में क्या करना है आपको एनी वेक्टर बोला है आप क्या करो आर वेक्टर को आई कैप लिख दो और आई कैप से क्वेश्चन कंप्लीट। आई क्रॉस आई 0 i.j 0 i.k 0 आंसर विल बी 0 वेक्टर आंसर विल बी ए। नाउ 30 ए एंड बी आर 2 वेक्टर मैग्नीट्यूड 4 यूनिट मैग्नीट्यूड 4 यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 4 एंगल बिटवीन देम पाई बाई 3 यहां से क्या फाइंड आउट किया ए डॉट बी फाइंड आउट कर लिया ए डॉट बी 4 × 4 × cos पाई बाई 3 1/2 कैंसिल आउट विल बी 8। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन दैट ए वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर दो वेक्टरों के बीच का एंगल cos थीटा क्या होता है दोनों का डॉट डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड पहले का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दूसरे का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। नाउ दोनों का डॉट करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी आएगा। ये सारी वैल्यू आपके पास है ये वाली वैल्यू बस आपके पास नहीं है कैसे निकालेंगे फॉर्मूले से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a.b एंड आफ्टर सिंप्लीफाई दिस एंगल विल बी पाई बाई 3। नाउ ओके सर अब अगले क्वेश्चन के लिए स्वागत है अपने अशोक सर का तो प्लीज अशोक सर थोड़ा स्पीड से करें जरूर सर बच्चों को जस्ट आंसर की जरूरत है एक्सप्लेनेशन के लिए अपन दूसरा वीडियो बनाएंगे तो जरूर सर मिलेगा अभी जस्ट आप आंसर बताएं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 31 और ये मैट्रिक्स से क्वेश्चन है तो यहाँ दिया हुआ है मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ए और बी दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसमें फॉर्मूला यूज करना है जब 2 बार आएगा तो के की पावर एन के थ्रू बार आएगा
जब एडजॉइंट में से 3 को बाहर निकालोगे तो ये के एन माइनस 1 से बाहर आ जाएगा और एडजॉइंट ए बच जाएगा, तो जब प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये सारे कट जाएंगे और आंसर क्या आएगा इसका, 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 32 के अंदर देखिए आप, तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करोगे वहां से हमें जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन को जब सोल्व करोगे तो इन दोनों में जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, जेड स्क्वायर कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा, आयोटा जेड और प्लस 1, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो जेड माइनस आयोटा इक्वल टू 0। इसको इक्वल बनाने के लिए ऊपर नीचे क्या कर लो, आयोटा से गुणा भाग कर लो, तो यहां से क्या होगा, यहां से ये बन जाएगा जेड माइनस आयोटा और यहां से ये जेड स्क्वायर आयोटा जेड प्लस 1। अगर आप इसको अंदर वाले आयोटा को अंदर भेज दोगे तो ये वाला फैक्टर कॉमन आ जाएगा। तो एक बार मैं लिख देता हूं जल्दी से, आयोटा जेड प्लस 1 और यहां से माइनस 1 अपॉन आयोटा और ये अंदर क्या बन गया, आयोटा जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर कॉमन आ गया, कॉमन आ गया तो अपने पास इसकी वैल्यू क्या जाएगी, आयोटा जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आयोटा। इसका मापांक मॉडुलस की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो जब आप 1 रख दोगे तो 1 प्लस 1 और इसका स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर हमें दिया हुआ है क्या, ये हमें डिजिट दी हुई है 0, 1, 4 एंड 5। इसको लेके हमें बताना है कि इन नंबर्स का सम कितना होगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है पीएनसी से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो जीरो लास्ट में कितनी संख्याओं में आएगा वो निकाल लेंगे। तो यहाँ जीरो फिक्स कर दिया, यहाँ फिक्स कर दिया, तो इसको भरने के 3 तरीके, इसको 3 और इसको 2। तो टोटल नंबर कितने हो गए बेटा, ये यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और ये 1, तो ये हो जाएंगे 6 संख्याओं में लास्ट में क्या आएगा, 0। और इससे टोटल संख्या कितनी बनेगी, तो टोटल संख्या इससे अगर आप निकाले तो कितनी बनेगी, यहाँ से देखो इसको भरने के 3 तरीके, इसको फिल करने के 3, इसको 2 और इसको 1, तो ये टोटल कितनी संख्या हो गई, 18। तो 18 संख्याओं में 6 में तो 0 है और 12 के अंदर कौन आएगा, 1, 4 एंड 5, और ये कितनी बार आएंगे, 4 बार। तो 4 से जोड़ने पर 1, 4 प्लस 5 ये कितना आ जाएगा बेटे, 40। तो जो यूनिट डिजिट होगा वो 40 होगा। तो जब 40 में आप जोड़ोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0। 0 के बाद बच क्या जाएगा, 4। फिर अगेन 40 आएगा तो 4 जुड़ के 44 का 4 आ जाएगा, फिर 4 रह जाएगा और फिर 40 में 44 का 4 हो जाएगा और लास्ट में 4 बचेगा। और जो फर्स्ट प्लेस है यहाँ पे 0 आ नहीं सकता, तो यहाँ पे 1, 4 और 5 आएंगे 6 बार। तो ये टोटल कितने जाएंगे, 60 और 4 64। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 34 बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आप देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो यहां से क्या होगा, हम जानते हैं कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, एक्स वाई और जेड, यहां इस पे पुट कर दो, पुट करते आंसर क्या आ जाएगा 34 का, 0 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पीएनसी का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या होगा, 35 के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। तो केसेस बनाने के बाद इसको जब सोल्व करोगे आप, तो केसेस कुछ इस तरह से बनेंगे कि यहाँ पे एक तो हस्बैंड और वाइफ, इनके कुछ रिलेटिव दिए हुए हैं, तो इनके केसेस बन जाएंगे। तो केस फर्स्ट बनेगा, फिर केस सेकंड, इधर से क्या हो जाए, 3 मैन आ जाए, इधर से 3 वुमेन, फिर इस तरह से यहाँ से 2 मैन और 1 वुमेन, और इधर इसी तरह से 1 मैन और 2 वुमेन, ये वाला केस बन जाएगा। तीसरा केस बनेगा क्या, यहाँ बन जाएगा ये 1 मैन और 2 वुमेन, और यहाँ से इसमें बन जाएगा 2 मैन और 1 वुमेन, और लास्ट वाला इधर से क्या हो जाएगा, 4 केस, यहाँ से हो जाएगा कितना, 3 वुमेन और इधर से 3 मैन। इन सारे केसेस को जब आप सोल्व करके ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद इसका आंसर आएगा 485। तो इन केसेस को सोल्व करना है और सोल्व करके सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो देख लीजिए आप यहाँ पे इसमें हो जाएगा एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट तो यहाँ पर है, 4 पॉइंट यहाँ पर है और 5 पॉइंट यहाँ पर है। तो टोटल ट्राइंगल कितने बन जाएंगे, ये पॉइंट कितने हो गए, 5 और 4 9
और 3 12, तो 12 C 3। और इसमें से जब ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे तो कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो इसको माइनस कर देंगे 3 C 3, यहाँ पे 4 C 3 और इस लाइन का 5 C 3। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आ जाएंगे, 205। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 37। क्वेश्चन नंबर 37 लोग का क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ से अपन क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे बी की पावर पी, यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेंगे डी की पावर 2p और यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लेंगे एफ की पावर 3p और इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है। इन्हीं को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो बी की पावर पी और डी की पावर 2p और यहाँ से एफ की पावर 3p, तो पी तो ऊपर आ जाएगा, डी 2 f 3 और ये हो गया p। और हमें क्या निकालना है, 1/p। तो जैसे आप 1/p और लगाओगे, p से p क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है लॉगरिथम से। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 38 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है क्या, ये इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, ठीक है। इसके एक्स की पावर 4 है तो इसके रूट कितने होंगे, 4। 4 में से हमें 2 रूट दिए हुए हैं और दोनों ही कैसे हैं, इरेशनल है, तो बाकी जो 2 रूट होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्लस का रूट 2 और ये हो जाएगा माइनस का रूट 3, क्योंकि हम जानते हैं कि इरेशनल रूट कैसे आते हैं, पेयर के अंदर आते हैं। तो जब आप ये प्रॉपर्टी लगाओगे, कौन सा, इसकी जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की प्रॉपर्टी लगाओगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस और प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, a0। और यहाँ से इन तीनों को गुणा करने पे a0 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये आ रहा है माइनस का रूट 2, एक आ रहा है प्लस का रूट 2, एक आता है रूट 3 और एक आ रहा है माइनस रूट 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6। हमारे पास एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें वैल्यू कितनी है, रूट 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 39 में देखिए, 39 में ये हल्का सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये जो मॉडुलस का साइन है वो यहाँ पर है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप, Z1 प्लस Z2, और आप जानते हो कि जब 1 होता है तो इसको साइड में लेके जा सकते हैं, Z1 माइनस Z2, इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, X1 X2 प्लस Y1 Y2 बराबर 0। हमारे से पूछा क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, तो आप जानते हो कि जो Z1 अपॉन Z2 का जो रियल पार्ट होता है, उसके रियल पार्ट में ऊपर क्या आता है, यही वैल्यू आती है, X1 X2 प्लस Y1 Y2 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटे, बी आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 अपना फैक्टोरियल से क्वेश्चन आया है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो फैक्टोरियल 26 में आप क्या करो, ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 26 इक्वल टू एन 8 की पावर के, इसको लिख लो एन और 2 की पावर 3 के। अब आप क्या कर लो, फैक्टोरियल 26 में क्या करो, 2 की पावर काउंट कर लो, तो क्या कैसे करते हैं, 26 अपॉन 2 ये 13 को डिवाइड किया 2 से तो ये 6 टाइम्स आएगा, 6 टाइम इसमें दोगे डिवाइड तो ये मेथड है, और 3 में 2 का भाग दोगे तो ये है 1, ये टोटल कितने हो गए, 19, 22 और 23। अब यहाँ पे 23 डायरेक्ट बन नहीं सकता तो इसको कैसे लिखेंगे, एन 2 और 2 की पावर 3k-1, तो k की मैक्सिमम वैल्यू कितनी सेटिस्फाई कर रही है, 8 या 24 माइनस 1 23, इस तरह से इसको सेटिस्फाई कर जाएगा और ये जो 2 है ये इसके साथ इसमें अप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इसकी 8 वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 41 बाइनोमियल का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। क्या पूछा है हमसे, पूछा है फोर्थ टर्म, तो इसका फोर्थ टर्म क्या होगा, NC3 1 अपॉन x की पावर 3 और MX की पावर n-3 और ये कितना दे रखा है, 5/2। तो यहाँ से अगर x की पावर को मैं ऐड करूँ तो ये कितना आ रहा है, n-6 और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 0, कॉन्स्टेंट का मतलब, तो n n-6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो
एन की वैल्यू 6। अब n की वैल्यू 6 हो जाएगी, इस 6 की वैल्यू को यहाँ रख दो तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी बन जाएगी, हमें मिल जाएगी 1/2। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, एम एन बराबर 6 × 1/2, तो आंसर आ जाएगा 3। इसका आंसर क्या होगा, 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर क्या है, हमें दिया हुआ है कि यहाँ से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो ए बी सी किसमें, जीपी में, तो हम ए बी सी को मान लो, आप ए को मान लो के, इसको मान लो 2k, इसको मान लो 4k, और इन वैल्यूज को आप इसमें रख दो तो k तो बाहर आ जाएगा और ये अंदर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, और यहाँ से क्या बन जाएगा 4। इसको सोल्व कर लो, इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आ रहा है, तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी होंगे तो पहला इक्वेशन सही है। इमेजिनरी रूट निकाल लो श्री द्राचार्य से, उनका जब रेशियो लोगे तो ये रेशियो नहीं आएगा, और यहाँ से बी और बी स्क्वायर ए स्क्वायर की तो वैल्यू अपन ने मान ली, तो यहाँ रख दो, ये देखो बी की वैल्यू रही, तो बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 4k स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वैल्यू इतना हो गया ये के स्क्वायर, तो ये तो कट गया, तो यहाँ से कट जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो क्या आएगा, हाँ तो वो इसके बराबर आ रहा है। आप यहाँ से देख लो, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, अल्फा बीटा, कितना आ रहा है इस इक्वेशन में 4/1, तो 4 आ गया ना, इसका मतलब क्या हुआ, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। और सेकंड वाला जब आप निकाल के इसको रेशियो लोगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर हमें दिया हुआ है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या दिया हुआ है कि ये इंटीजर वैल्यू देती है, ठीक है, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो भी क्या है, इंटीजर है, तो आप x बराबर क्या रख दो, 1 रख दो, 1 रखोगे तो क्या बन जाएगा, 1 + m + n। अब इसको इंटीजर लाना है तो वो तो ऐसे भी आ सकता है क्या, इसके ले लो 1 - √2 और इसके ले लो 1 + √2, तो यहाँ से दोनों कट गए, कट गए तो 3 आ गया, 3 इंटीजर है, जबकि यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि m भी इंटीजर होना चाहिए और n भी क्या होना चाहिए, इंटीजर, लेकिन अपन ने इरेशनल वैल्यू रखी है, इसके बावजूद ये क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसने यही पूछा है कि नीदर 1 और नीदर 2, तो आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 काफी इजी क्वेश्चन है, अगेन फ्रॉम द बाइनोमियल चैप्टर, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि पावर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसके पावर हो जाएगी कितना, 2n + 1। अब आप क्या करो, n बराबर 1 ले लो, तो 1 लेते क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर 3। अब आप पता है ये 3 है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 4 में से आप सेकंड और थर्ड टर्म लिख लो, और उनका सम कितना दिया हुआ है, 0। जैसे आप लिखोगे तो सब कुछ कट पिट के क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 1 कब आएगा, जब आप t3 + t4 = 0 करोगे इस इक्वेशन के अंदर, तो ये प्रूव हो जाएगा, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन अपना बिल्कुल नोट्स में और अपनी जो प्रिंस की बुक है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है और वही आंसर है। तो इसके अंदर ये 5 एलिमेंट है सेट ए में, 1, 2, 3, 4 और 5, और यहां पे कितने एलिमेंट है, 2। तो इसको ए को ज्वाइन करने के कितने ऑप्शन है हमारे पास, किसी से भी ज्वाइन कर सकते हैं, 2 ऑप्शन, 2 को ज्वाइन करने के 2 ऑप्शन, तो ऐसे करेंगे इनके सबके लिए, पांचों के लिए कितने ऑप्शन है, 2, 2, तो 2 की पावर 5 कितना हो गया, 32। हमें बताना है ओंटो का मतलब दोनों कनेक्ट होने चाहिए, तो हम उस केस को हटा देंगे जब ये क्या हो जाए, एक ही से कनेक्ट हो जाए, तो या तो 6 से कनेक्ट हो सकते हैं या 7 से, तो 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30। तो ओंटो फंक्शन कितने हो गए, 30 हो गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30। तो यही इसमें पूछा था। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही नॉर्मल सा पेपर है और आराम से आप वैल्यू रख के अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके आगे जो सर सोल्व कराएंगे, प्रवीण सर आइए सर, 46 से लेके 60 तक। थैंक यू सर, जय हिंद बच्चों। आगे के क्वेश्चन जो है थोड़े लेंथी पोर्शन में जरूर है, लेकिन अपन उसको थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, तो थोड़ा देखना उस हिसाब से। हाँ बेटा, तो अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 46, ये देखो अपनी शीट का क्वेश्चन है बेटा, अपनी शीट के अंदर एक क्वेश्चन है, उसमें क्या चेंज है, थोड़ा सा ये जो एंगल है ये चेंज है, आंसर भी अपनी शीट वाला है, अगर पहचान गए हो तो देख लो क्या हुआ है, ये हो गया a cos थीटा प्लस
या माइनस बी साइन थीटा वाला फॉर्मेट आ गया है। इस फॉर्मेट में पता आपको क्या करना होता है, अपने को अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ता है। तो ए स्क्वायर हो गया अंडर रूट थ्री का स्क्वायर एंड वन का स्क्वायर हो गया फोर, और उसका अंडर रूट करेंगे तो हो गया टू। यानी टू का अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं, अंडर रूट थ्री बाई टू कोस टेन माइनस वन अपॉन टू साइन टेन। जब टू का मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, टू का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये लो बेटा। और अपॉन में देखो अपने क्या आ रहा है, साइन 25 एंड कोस 25। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, टू से मल्टीप्लाई और कर दूँ ताकि ये साइन टू थ्री का फॉर्मूला बन जाए, तो ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हम सोल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ बेटा सेम बन जाएगी और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बनेगा साइन 50 और टू इंटू टू अपने आ जाएगा फोर। अगले में चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन। देखो सेम उसी फॉर्मेट पे है जो भी मैंने बताया, ए कोस थीटा बी साइन थीटा, उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। इसमें देखो यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है वो अपने, हाँ बेटा अभी देखो इसमें, देखो इसमें अपना जो फॉर्मेट है वो देखो यहाँ पर वन एंड यहाँ पर वन, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा अंडर रूट टू का। अंडर रूट टू का डिवाइड करेंगे अंडर रूट टू का मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो जैसे इसको सोल्व करेंगे अपन तो ये अपने बन जाएगा बेटा माइनस अंडर रूट टू साइन 36 बन जाएगा, ये वैल्यू देगा मेरे को। जैसे ये वैल्यू देगा तो साइन 36 की वैल्यू अपने को याद रखनी होती है, और अंडर रूट टू से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा उसके अपॉन में फोर होता है, ये कैंसिल होकर अपने को ये रिजल्ट देगा बेटा, ए ऑप्शन नेगेटिव आएगा क्योंकि आगे इसके माइनस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन 48 नंबर। देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन आ गया है वैसे, और साथ में अलजेब्रा का क्वेश्चन भी है। देखो इसमें क्या दे रखा है, इफ ए ट्रायंगल एबीसी साइन क्यूब ए प्लस साइन क्यूब बी प्लस साइन क्यूब सी इक्वल 3 साइन ए साइन बी साइन सी, तो ये फॉलो कर रहा है अपने इस फॉर्मूले को, ए क्यूब अपने जो ये फॉर्मूला है इसको फॉलो कर रहा है। देखो बेटा अपना जो फॉर्मूला है क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अगर ऐसा मेरे सामने आ जाता है तो मैं कहता हूँ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, और जब मैं साइन फॉर्मूला लगाता हूँ तो मेरा साइन फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन ए कह दो, या फिर उल्टा बोलो तो ए अपॉन साइन ए भी बोल सकते हो, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r, ये होता है। अब यहाँ से जैसे ही मैं साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू निकालता हूँ और वो मैं यहाँ रखता हूँ तो फॉर्मूला फॉलो हो जाएगा मेरे, जैसे फॉर्मूला फॉलो होगा तो साइन ए की वैल्यू बन जाएगी ए अपॉन 2r, साइन बी की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन 2r, साइन सी की वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन 2r। तो जैसे ये वैल्यू मैं उसमें पुट करता हूँ तो मेरा क्यूब वाला फॉर्मूला बेटा फॉलो हो जाएगा, और फॉलो हो जाएगा तो ये देखो ए इसमें देखो यहाँ बी है और इसमें यहाँ सी है, जैसे मैं यहाँ सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री लगा देता हूँ, या तो ऐसे लगा दो सी वन वाला, या आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री लगा दो, कोई सा भी लगा के देख लो आप आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो आप पाओगे यहाँ जीरो 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 बन जाएगा। जैसे ये जीरो 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 बन जाता है क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो हो जाएगा, तो जीरो जीरो बनते इसका आंसर बेटा है जो है वो हो जाएगा आपका जीरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 49, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आईटीएफ का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या चीज़ है, ध्यान देना इसके अंदर, बहुत ही सिंपल सी बात इसके अंदर आई है, कोस इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स, तो हम जानते हैं कोस इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स को लिख सकता हूँ मैं पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स को इधर लाऊंगा तो ये बन जाएगा कोस इनवर्स एक्स, और कोस इनवर्स एक्स होगा टू कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू बेटा है पाई बाई टू, ये यहाँ वाला टू अपॉन में हो जाएगा तो पाई बाई फोर, तो यहाँ से बेटा एक्स की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी कोस पाई बाई फोर, और कोस पाई बाई फोर तो आप सभी जानते हो क्या होता है, एक्स इक्वल आ जाएगा वन बाई अंडर रूट टू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा माइनस कोस, ये पाई नहीं है बेटा मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये इस जगह थीटा होगा, इस जगह ये जो है थीटा होगा थीटा,
तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू टू दे रखा है बेटा। तो इसका जैसे होल स्क्वायर खोलते अपन तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो कि वन होता है, और माइनस टू साइन थीटा कोस थीटा जो कि साइन टू थीटा होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस साइन टू थीटा इक्वल टू टू, यहाँ से साइन टू थीटा निकालूंगा बेटा मैं, तो साइन टू थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी माइनस वन। और ऐसा इस रेंज के अंदर अगर हम देखें इस डोमेन में थीटा की ये वाली डोमेन ले इसके अंदर अगर हम देखें तो ऐसे खाली ए की वैल्यू बनेगी जो बनेगी माइनस पाई बाई टू, लेकिन माइनस पाई बाई टू तो टू थीटा के लिए हुआ ना, हमें थीटा के लिए देखना है तो इसके फिर डबल रिजल्ट बन जाएंगे दो। तो इसके जो सोल्यूशन पूछे गए बेटा वो अपने हो जाएगा ओनली टू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, देखते हैं क्या उसमें। ये देखो आपके प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए बैग कंटेन्स फाइव ब्लैक एंड फोर व्हाइट बॉल्स, ए मैन सेलेक्ट टू बॉल्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ दीज आर ऑफ द सेम कलर। भाई आपको दो बॉल निकालनी है, दोनों सेम कलर की होनी चाहिए। अब सेम कलर क्या है, या तो ब्लैक होनी चाहिए या व्हाइट होनी चाहिए। सेम कलर की अपने चाहिए या तो ब्लैक होनी चाहिए या व्हाइट होनी चाहिए। अब देखो आप अपने क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं निकाल रहा हूँ पहले ब्लैक बॉल, दोनों ब्लैक चाहिए, तो मेरे पास टोटल बॉल हो गई नाइन, तो फाइव अपॉन नाइन ये फर्स्ट बॉल निकाली, एंड सेकेंड बॉल निकालेंगे तो एक कम होगी बेटा, तो सेकेंड बॉल हो गई फोर अपॉन एट। ये तो मान लो मैंने बात कर ली ब्लैक बॉल के लिए, और अब मैं बात करता हूँ व्हाइट बॉल के लिए। व्हाइट बॉल के लिए बात करूँ तो व्हाइट मेरे पास है चार, तो प्लस लगेगा बीच में, फोर अपॉन नाइन, फिर एक कम हुई तो थ्री अपॉन एट। इसको बेटा जैसे ही कैलकुलेट करते हैं तो अपना आंसर है फोर अपॉन नाइन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए रेंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन फाइव। मीन देखो बेटा बोलते हैं हम एन पी, मीन जो होता है वो अपना होता है एन पी। एन पी, एन पी की वैल्यू देखो बेटा कितनी दे रखी है अपने को, एन पी की वैल्यू, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये, एक मिनट। आगे चले गए क्या, एक मिनट, फिफ्टी फोर, फिफ्टी फोर था, फिफ्टी फोर, क्वेश्चन ही गायब हो गया है, एक मिनट लाते हैं उसको वापस। फिफ्टी 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 फिफ्टी, हाँ फिफ्टी फाइव है। फिफ्टी थ्री, फिफ्टी वन, हाँ बेटा देखो क्वेश्चन आ चुका है अपने 51। इसमें क्या रखा है, ये तो अपन ने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 52 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, अपने को देखो क्या चीज़ दे रखी है इसके अंदर, अपने को दे रखा है मीन दे रखा है बेटा, मीन को हम बोलते हैं एन पी, एन पी इक्वल टू दे रखा है फाइव। वेरियंस दे रखा है फोर, वेरियंस होता है बेटा एन पी क्यू, एन पी क्यू दे रखा है अपने को फोर। इन दोनों इक्वेशन से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो अपनी देखो वैल्यू जो है वो क्या बनती है, ये एन पी की जो वैल्यू फाइव है वो मैं यहाँ रख देता हूँ बेटा फाइव, जैसे रखा तो मेरे को यहाँ से क्यू की वैल्यू मिल जाएगी फोर अपॉन फाइव, एंड पी की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी वन अपॉन फाइव, क्योंकि वन में से माइनस कर देंगे।
और ये जो पी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ बेटा, जैसे ही पुट करता हूँ, पुट करते ही मुझे यहाँ से जो एन की वैल्यू है वो मिल जाएगी 25। ये सारी वैल्यू मेरे पास आ गई है। अभी देखो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को दे रखा है ये वाली वैल्यू 5 to the power 23 पी एक्स इक्वल 3 इक्वल टू लेमडा 4 to the power लेमडा, और यहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा निकालनी है अपने को। तो इसमें क्या करना है ये देखो बेटा, ये बर्नौली एक्सपेरिमेंट है, तो 5 to the power 23 जैसे बर्नौली एक्सपेरिमेंट का हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो अपना जो रिजल्ट बनेगा यहाँ पर एन सी आर वाला आप जानते होंगे q to the power n-r p to the power r, इसको जैसे मैं इसके इक्वल करूँगा लेमडा 4 to the power लेमडा, तो यहाँ पर जो है इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे ना, तो यहाँ पर लेमडा की जगह 23 आ जाएगा, तो बेटा इसका आंसर होगा 23। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे चले गए पीछे 53। हाँ चलो बेटा, तो टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन। 54 देखो, अपने को दो रिग्रेशन लाइन दे रखी है और रिग्रेशन लाइन देकर अपने को उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको थीटा बोल रखा है, तो थीटा में निकालना आता है। जब रिग्रेशन लाइन दे रखी है तो बेटा जो स्ट्रेट लाइन वाला सिस्टम है वही लगाना होता है। यहाँ से हम एंगल निकालते हैं टेन थीटा इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 - m2, ये वाला रिजल्ट लगाते हैं। या जैसे मैं टेन थीटा निकालूंगा, एक तो इसकी स्लोप काम में लूंगा, इसकी स्लोप काम में लूंगा, स्लोप काम में लूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी 1/8। ये 1/8 बेटा देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 4 8 8 tan 3 थीटा। टेन थ्री थीटा का वेला फॉर्मूला हम जानते हैं, टेन क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा। तो बेटा जहाँ जहाँ टेन है वहाँ वहाँ 1/8 पुट कर दो, और पुट करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो मेरा आंसर है ये 191 आ जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 55। इफ टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय रिलेशन 2x - 3y एक अपॉन 5x + 4y इक्वल टू अपने को दे रखा है 4। जैसे बेटा मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को कुछ ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा इस टाइप का। ये हो गया अपने 20x है, इधर क्या है 2x उधर जाएगा, तो 18 तो हो जाएगा बेटा अपने पास में x, और इक्वल टू 19 हो जाएगा बेटा y। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मेरे को x जो दे रखा है x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n दे रखा है 10 एंड p की वैल्यू दे रखी है 1/2 और q की वैल्यू बेटा यहाँ से निकालेंगे तो q भी क्या आ जाएगा 1/2। देन वाट इज द वेरियंस ऑफ y, हमें y का वेरियंस निकालना है। तो बेटा प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आ गया स्टेटिक्स का, याद करो यहाँ पर x का वेरियंस अगला बता रहा है अपने को, तो हमें निकालना है y का वेरियंस। तो y का वेरियंस क्या होता है, y का वेरियंस हो जाएगा देखो पहले फॉर्मूला बनाते हैं, y इक्वल 18x अपॉन 19। ये बना लिया बेटा। ये बनाने के बाद में अब क्या करना है, अपने को वेरियंस का पता है कि वेरियंस कैसे निकलता है। वेरियंस निकलता है बेटा npq, वेरियंस इक्वल टू np and q। तो n बेटा मेरे पास में है, p मेरे पास में है, q मेरे पास में है, सारी वैल्यू मैं आउटपुट कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा वेरियंस, किसका वेरियंस मिलेगा x का। अब आते हैं बेटा प्रॉपर्टी पर, अब x का वेरियंस मिल गया तो y का वेरियंस चाहिए, तो y है क्या, y है x से मल्टीप्लाई हो रहा है इस चीज को, जिस चीज से मल्टीप्लाई होता है ना, तो वेरियंस में क्या होता है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपने y इक्वल आ जाएगा बेटा 18 upon 19 square, जैसे मैं इसका ये निकालूंगा ना सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरियंस निकालूंगा तो ये चीज बनेगी बेटा, जैसे मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो मेरा जो वाला रिजल्ट है वो आ जाएगा ए ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखो बेटा, फॉर्म द डेटा -41 - 12, देखो ये डेटा दे रखे है और रिग्रेशन एक लाइन दे रखी है अपने को,
और इसे बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है। और ये अपना जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, वैसे तो ये क्वेश्चन स्किप करने वाला होता है, छोड़ने वाला क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई करना चाहे तो इसको कैसे कर सकते हैं। देखो बेटा ये जो चीज़ दे रखी है आपके एक्स के डेटा है, ये आगे वाले ये सारे एक्स के डेटा है, और जो पीछे वाले दे रखे हैं सारे वाई के डेटा है। अब जो एक्स और वाई के डेटा आपको दे रखे हैं उन डेटा से ये रिग्रेशन वाइन फॉलो करा के अपने को कोवेरियंस वगैरह सब निकाल के सोल्व करना होता है बेटा इसको। लेकिन बहुत लेंथी क्वेश्चन है तो इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ, इसका आंसर बेटा 11 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एबीसी आर इन एच पी व्हाट इज 1/(b-a+1/b-c)=2। ये अपने को पूछा गया है। अब इसमें देखना बेटा थोड़ा सा ध्यान देना इसके अंदर, ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा एरर, अभी ऑप्शन में एरर है। जैसे ऑप्शन दे रखा है अपने को 1, 2 और 3, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा इसके अंदर 1 और 2 हो, लेकिन इसका जो आंसर है वो एक्चुअल में फर्स्ट एंड सेकंड सही है, लेकिन थर्ड है वो सही नहीं है, ये अपना आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में एरर है बेटा, एरर। अब कैसे होगा ये हम देख सकते हैं। अब मैं कह रखा है एबीसी आर इन एचपी, अब एबीसी अगर एचपी में तो मैं ऐसे कह सकता हूं एबीसी ये मान लो एचपी में है तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं 1/(a)/(b)/(c), तो ये बेटा अपने एपी में हो जाएगा। और जब ये एपी में है तो मैं लिख सकता हूं जो मिडिल टर्म है उसका डबल 2/(b)=1/3 1/(a+1/c) ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो इसका मतलब देखो बेटा एक तो ये चीज है और एक ये चीज है, ये दोनों तो अपने को इस ऑप्शन में दिख रही है। देखो ये दिख रही है, एक तो एक ये दिख रही, दो स्टेटमेंट दिख रहे हैं, लेकिन तीसरा जो स्टेटमेंट है वो इसको फॉलो नहीं करेगा, उसका भी एक रीजन है। अब यहां से अगर मैं बी की वैल्यू बनाना चाहूं तो बी की वैल्यू बनती है 2ac/(a+c) एचपी से। ये वैल्यू बेटा अगर आप यहां पुट करते हो, पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट करते हो इस चीज़ को, जैसे बी की जगह आप ये वैल्यू पुट करोगे उसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/(a+1/c)। इसका मतलब इसका रिजल्ट ये बना तो ये तो रिजल्ट सही हो गया, और इसके इक्वल ही है तो ये भी सही हो गया, लेकिन ये वाला इसके इक्वल नहीं हो पा रहा है। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप एच पी के लिए 2, 3, 6 ये आप सेटिस्फाई कराओगे, देखोगे तो ये दो तो सेटिस्फाई होंगे, एचपी को सेटिस्फाई करेंगे एबीसी, लेकिन यहाँ करो रखो के देखोगे तो आप ये एचपी को सेटिस्फाई नहीं करा पाओगे, इसका मतलब क्वेश्चन में एरर है। तीसरा ये जो है ये स्टेटमेंट गलत है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन देखो, लेट एम इक्वल टू 77 to the power n, द इंडेक्स n इज गिवन ए पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ m विल हैव 1 इन द यूनिट प्लेस। ये कह रहा है अगर इसकी अपन ये पावर n दे रखी है, ये हम सोल्व करने बैठे तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए 1। तो आप पहले देखो इसका यूनिट प्लेस है क्या, इसका जो यूनिट प्लेस है उसके यूनिट प्लेस पे ऑलरेडी यहाँ पर 7 आ रहा है बेटा, और 7 के जहाँ तक हम बात करते हैं 7 की पावर 1 निकालते हैं तो 7 आता है, 2 निकालते हैं 7 की पावर तो बेटा 49, इसका यूनिट प्लेस 9 होता है। अगर मैं 3 निकालूंगा तो इसका यूनिट प्लेस 3 होता है, जैसे ही मैं इसकी पावर 4 निकालता हूं तो इसका यूनिट प्लेस है वो बेटा 1 आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो यूनिट प्लेस 1 कब आया, जब पावर 4 बनाई। एक बात इसमें होती है कि जब 7 की पावर 4-4 पावर कंजुगेटिव पावर लेते हैं, रिपीट कर जाते हैं, जब 4 पे हो गया फिर अगली 8 पावर पे होगा, मतलब हर 3 वैल्यू को छोड़कर चौथी वैल्यू जो है वो यूनिट प्लेस आपको दे रही है। तो अगर मुझको इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है तो 4 में से एक जना आ रहा है तो 1/4 बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, सीधा सा है, इजी सा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दे रखा है, देखिए पढ़ते हैं। इसमें बता रखा है 3 डिफरेंट नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ द नंबर इज इक्वल थर्ड नंबर। देखो सिंपल सी बात, अपने पास में 15 कंजुगेटिव इंटीजर्स है या नेचुरल नंबर है, उसमें से 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं, ये मेरे पास आ गई टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी किसी पूछी गई है वो फेवरेबल होगा, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू द थर्ड नंबर्स,
यानी जो आप दो नंबर का प्रोडक्ट ले रहे हो, जैसे सपोजिट आप ले रहे हो पहला नंबर टू दूसरा थ्री, तो तीसरा जो होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, मतलब सिक्स होगा। इस टाइप से आपको यहाँ पर बेटा केस बनाने हैं। तो यहाँ जैसे केस बनाओगे तो आप पाओगे यहाँ टोटल सेवंथ केस बनेंगे इस तरीके के, सात ज़्यादा नहीं बनेंगे, सेवंथ केस बनेंगे। तो बेटा प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/15C3। इसको बेटा जैसे ही आप कैलकुलेट करते हो तो इसका जो आंसर है वो 1/65 आ जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। 60 तक क्वेश्चन हो गए हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अब संदीप सर है वो कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए संदीप सर आइए। सर जय हिंद ऑल स्टूडेंट्स। तो 61 से नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो 61 सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी का है। और प्रोबेबिलिटी में किसकी वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन है लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन 0.75 एंड पी ए इंटरसेक्शन बिटवीन 0.125 एंड 0.35। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ए प्लस पी बी। तो वी नो दैट पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी एंड माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट वी आर वैल्यू फाइंड द पी ए प्लस बी, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी एंड प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट वी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ए प्लस पी बी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 एंड द ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम वैल्यू इन गिवन द क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम वैल्यू इज 0.375। तो सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ए प्लस बी इक्वल टू 1.375। नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू 61 जो क्वेश्चन है मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मिनिमम वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन ऑफ ए यूनियन बी इज 0. पी ए प्लस पी बी मिनिमम वैल्यू है आल्सो फाइंड दैन मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी ए प्लस पी बी एंड मिनिमम वैल्यू इज 0.75 एंड प्लस मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.25। सो मिनिमम वैल्यू इज सब्ट्रैक्शन। तो आंसर विल बी फर्स्ट 61 इज डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन 63 नंबर क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन इज 63 नंबर क्वेश्चन। ओके दिस क्वेश्चन आल्सो प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी दीज आर वैल्यूज आर गिवन। फर्स्ट वी आर रीड दिस क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन गिवन इज ए पी बी आर थ्री इवेंट्स सच दैट पी ए एंड पी बी पी। तो वी आर फाइंड दिस वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी एंड माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट ए यूनियन बी जो वैल्यू है वो इज ग्रेटर देन एज इट राइट करते हैं एंड पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी दिस वैल्यू इज गिवन 0.8 एंड पी सी वैल्यू इज गिवन क्वेश्चन 0.5 प्लस 0.5 एंड सिमिलरली पी बी इंटरसेक्शन सी 0.5 ए इंटरसेक्शन सी इज टेक एक्स तो प्लस एक्स एंड प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वैल्यू इज गिवन 0.2। ये क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ इंटरसेक्शन है, टाइपिंग करेक्शन है 0.2। तो सिमिलरली वी आर सॉल्व दिस क्वेश्चन देन पी ए यूनियन बी इज पी यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू 1.2 माइनस एक्स एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस
वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1.2, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1.2 माइनस पी ए यूनियन बी यूनियन सी. ओके, फर्स्ट वी फाइंड द मिनिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन सी इज 0.25. वी आर पुट इन दिस इक्वेशन, देन वी सॉल्व, आंसर इज सी, ऑप्शन इज 0.35. नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ए बी ए इंटरसेक्शन बी, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी इज 1, तो सो मैक्सिमम वैल्यू इज 0.2. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65. ए अनबर्स्ट कॉइन इज टॉस्ड टाइम एंड टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टेल, प्रोबेबिलिटी गिवन है. ओके, तो क्या गिवन है, पी इस पी जो है वो वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल. एटलीस्ट वन टेल मीन्स P is x greater than equal to 1, and the value of q is equal to p x greater than equal to 2. Q is greater than probability of at least 2 tells. P minus q value are given, p minus q equal to 5/32. Number of times tossed coin is n times. P minus q value find out, then p is nc0, and success is probability of success is 1 tell, getting tell 1/2 its power n, and 1/2 its power n minus 0, that means 0. And if minus q ki value jo hai x greater than equal to 2 hai, to 1 minus this value also 1 minus, and minus 1/2 minus 0, and minus 1 minus nc0 1/2 power n, and minus n 1 nc1 1/2 power n. और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो n की वैल्यू जो बनेगी वो सिंप्लीफिकेशन में n into 1/2 power n equal to 5/32. तो n equal to यहाँ से सिंप्लीफिकेशन में क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू, वैल्यू ऑफ एन पुट इन दिस एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू, दिस वैल्यू इक्वल टू 57/32. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 67, एक सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल, जिसमें ओनली एन इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन करना था. क्या है देखो, एक सिंपल से सिंपल क्वेश्चन जो इस पेपर में मैं कह सकता हूँ वो ये था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 1 to n, एक्स एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है किसके इक्वल है. तो आप देखो, एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ की वैल्यू गिवन है. सब फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, and the value of fx is equal to 1 into 1, 2 into 1/2, and similarly other. And we find the value of this sigma fx, sum find out karna hai, to n ki value 1 substitute kar dete hain. If we put n equal to 1, then answer will be 1. तो n इक्वल टू 1 आप ऑप्शंस में पुट करें, फर्स्ट ऑप्शन में n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2/2 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन में 2, 1 की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आप 1 की वैल्यू n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 की पावर. तो ये जो वैल्यू है, केवल कोई भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, सिर्फ n इक्वल टू 1 पुट करने पर आपको यही वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी. तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, 1. सेकेंड आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मीन फाइंड आउट करना है, और वी नो दैट द मीन फॉर्मूला इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ एक्स इज गिवन 2/(n+1) माइनस एन माइनस 2 अपॉन 2/(n-1), एंड दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, एंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ इज ए जी पी, एंड द सम ऑफ जी पी इज ए
sum of GP is a 1 minus r power n upon 1 minus r. सिंप्लीफिकेशन आप वैल्यू पुट करोगे, ए की वैल्यू 1 है एंड आर जो है वो 1/2 है, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर ये जो वैल्यू मिलेगी आपको, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो जो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 2 की पावर n+1 -n -2 एंड 2 की पावर n-1. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 2 and 2 की पावर n-1 इज पावर 2 and 2, दिस वैल्यूज आर कैंसिल आउट एंड रिमेनिंग इज आंसर. तो आंसर जो है वो अपने पास है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 70 and 69. दिस क्वेश्चन है बाय स्टैटिक्स, स्टैटिक से लिया गया है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. क्या है, 10 मार्क्स गिवन है. द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन द स्टैटिक्स टेस्ट 24, 47, 18, 32, 19 एंड सिमिलरली सो ऑन. व्हाट इज द मीन ऑफ डिवीजन ऑफ द लार्जेस्ट 5 नंबर्स. तो लार्जेस्ट 5 नंबर्स जो हैं वो कौन से हैं, फर्स्ट 50, सेकेंड वन 50, नेक्स्ट वन इज 47 एंड थर्ड जो है वो अपने पास 41, नेक्स्ट वन इज 35 एंड नेक्स्ट वन इज 32. दिस वैल्यू इज x. वी फाइंड द मीन डेविशन. दिस फॉर्मूला इज सिग्मा x माइनस x बार मॉडुलस अपॉन n. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x बार, सिग्मा x अपॉन n, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, दिस वैल्यू इक्वल टू 41. एंड x माइनस x बार, इट्स मॉडुलस फाइंड आउट करोगे आप, तो वैल्यू जो मिलेगी वो मैं डायरेक्ट राइट कर रहा हूँ, 9, 6, 0 and 6 and 9. इनका सम जो है वो 30 होगा. और अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ मीन डेविएशन के फॉर्मूले में, 30 अपॉन 5 पुट करेंगे तो आंसर विल बी 6. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरियंस एंड द फॉर्मूला ऑफ द वेरियंस इज सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर अपॉन n. तो इसके डाटा आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर इज 46.8. तो इसी के साथ यहाँ तक 670 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए. नेक्स्ट राघव सर क्वेश्चंस करने के लिए आ रहे हैं. यस सर, जस्ट मिनट सर. हाँ जी, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से. फंक्शन दे रखा है, उसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू. हाँ जी, जैसे आपको लोकल मैक्सिमम के बारे में पता लगे, लोकल मैक्सिमम डेरिवेटिव की वैल्यू बता दी जल्दी कितनी होगी. हाँ जी, लोकल मैक्सिमम डेरिवेटिव की वैल्यू 71. लोकल मैक्सिमम डेरिवेटिव की वैल्यू 0, तो दे रखी है 0, बिल्कुल सही है भाई साहब. उसके बाद बात करें तो लोकल मैक्सिमम भी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव होती है, वो भी दे रखी है. तो इसका मतलब कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई, दोनों ऑप्शन ठीक है. तो 71 का सी ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे. उसके बाद चलते हैं भाई साहब आगे. विच द फंक्शन वाई हैज रिलेटिव मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0. हाँ जी, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे y का कितना, डिवाइड बाय dx, उधर हो जाएगा f डैश x और आगे a, b का 0 हो गया. और इस डेरिवेटिव की वैल्यू तो दे रखी है हमें कितनी, 0. तो इसका मतलब डिवाइड बाय x की वैल्यू सीधा कितनी हो गई, a. और वो बोल रहा है a कितना है, रिलेटिव मैक्सिमम बन रहा है, तो इसका मतलब डिवाइड बाय x को 0 होना पड़ेगा. इसका मतलब a की वैल्यू 0. आप देख सकते हैं a की वैल्यू 0 है और b की भाई साहब बात ही नहीं हुई, तो इसका मतलब b कोई भी वैल्यू ले सकता है. b टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 73 बड़ा इजी क्वेश्चन है फंक्शन का. हाँ जी, HX फंक्शन दे रखा है. HX के अंदर दो चीजें हैं भाई साहब, एक है मॉडुलस, एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. आप बात करेंगे -1 से 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, -1. तो आप जब वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर फंक्शन के अंदर, -1 से 0 और मॉडुलस है भाई साहब नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो कितना हो जाएगा -x -1, उधर आ जाएगा -1. जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर -3/2. आगे चलते हैं. अब यहाँ पे देखेंगे 0 से 2 दे रखा है, तो लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा. कैसे सर, 0 से 1 HX और उसके बाद आगे कहाँ से 1 से 2,
और आप ध्यान से देखेंगे जीरो से वन में जीएफ की वैल्यू तो खत्म, जीरो हो गई भाई साहब, तो ये पार्टी क्या हो गई, जीरो। इसकी बात करेंगे जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और वन और टू के बीच में मोडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमारा फंक्शन क्या बनने वाला है, मोडुलस एक्स माइनस वन। जब आप वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय टू, एंड यू विल फाइंड द ऑप्शन विल बी वन बाय टू। चलिए साहब आगे चलते हैं। हाँ जी, बड़ा इजी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, देख सकते हैं आप रैशनलाइजेशन करना, पहली करना ही पड़ेगा, तो रैशनलाइजेशन जैसे आप करेंगे अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन से, इधर क्वेश्चन में आप चेंज कर, क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, प्लस आएगा इधर, चलिए इधर प्लस आएगा, इधर माइनस वन। जैसे आप रैशनलाइज करेंगे इस पार्टी से, ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली पार्टी टू बनने वाली है, और ऊपर क्या बनने वाला है, अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन डिवाइड बाय टू, और इसका इंटीग्रेशन तो करना है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर एन अपॉन एन प्लस, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और जो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यू विल गेट द आंसर। हाँ जी, क्या आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू वन बाय थ्री, और सेम बीटा की वैल्यू भी अगर आप इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ भी वन बाय थ्री और यहाँ भी वन बाय थ्री, इसका आंसर भी कितना आने वाला है, वन बाय थ्री। बड़ा इजी क्वेश्चन था, चलते हैं आगे। हाँ जी, अगेन अब ज्योमेट्री क्वेश्चन आया हमारे पास, इक्वेशन देखते ही भाई साहब मेरे को ऐसा लग रहा है कि सर्कल इक्वेशन दे रखी है। जैसे आप सर्कल इक्वेशन बनाएंगे, सर्कल कैसा है भाई साहब, इसका जो सेंटर है कौन सी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे 1,0 पे, और लाइन बनाने जा रहे हैं वाई इज इक्वल टू एक्स वाली। जैसे आप लाइन बनाएंगे और यहाँ पे आप ट्रायंगल बनती हुई दिखेगी, आपको बोला गया कि जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया दे रखा है ए टू, और जो मेजर सेगमेंट है उसका एरिया कितना दे रखा है ए वन, आपको निकालना दोनों का एरिया। तो कैसे करेंगे, अगर मैं इस वाले सेक्टर से, हाँ जी देखिए सेक्टर, इस वाले सेक्टर से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा किसका एरिया, ए टू का, और जैसे आप ए टू का एरिया फाइंड करने जाएंगे तो आपके पास A2 का एरिया आएगा, और आपको किसके एरिया पूछा गया है A1 का, तो A1 का एरिया कैसे निकलेगा, पूरे सर्कल के एरिया में से जिस दिन आपने A2 का एरिया माइनस किया आपको क्या मिलने वाला है, A1 का एरिया, और A1 का एरिया तो बता ही सकते हैं भाई साहब कैसे, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें डी। चलिए A1 और A2 की वैल्यू तो आपके पास आई गई, जैसे आप इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं तो आपको ए ऑप्शन मिलने वाली है, तो दिस विल बी द आंसर। चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन तीन बार रिपीट हो चुका है लास्ट ईयर से देखा जाए तो, 79 क्वेश्चन की बात करेंगे। अब एफ एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यहाँ है एफ वन अपॉन एक्स, तो जल्दी से जल्दी एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे वन बाय एक्स से। जिस दिन आपने एक्स को इससे सब्सटीट्यूट किया आपके पास इक्वेशन क्या बनने वाले भाई साहब, जल्दी देखेंगे, ये बनने वाले थ्री एफ वन बाय एक्स, और ये बन जाएगी एफ, ये एक्स हो जाएगा रेसिप्रोकल करने से, और ये हो जाएगा एक्स प्लस वन, और आपको इस पार्टी को करना है एलिमिनेट। जिस दिन आपने इसको एलिमिनेट किया या आपको मिलेगी एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी सर, डी ऑप्शन। और जिस दिन आपको डी ऑप्शन मिली अगले पार्ट में ही आपको बोला है इसी फंक्शन का क्या निकाल दो, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स दे रखी है 1 से 2, और जैसे आपने इसके अंदर लिमिट पुट करी आपको पता है इधर 1 बाय एक्स की वाली पार्टी है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे लोग आएगा, और इधर एक्स का कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और इसका कॉन्स्टेंट आ जाएगा एक्स आ जाएगा, तो जिस दिन आपने लिमिट पुट करी आपको आंसर मिलने वाला है, तो 80th का होगा ए ऑप्शन। चलते हैं आगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 81, इस पर चर्चा कर लेते हैं, और पहले जैसे ही आपने देखा फर्स्ट ऑप्शन में आपको मिलेगी गलती, क्यों सर ऐसा क्यों सर, क्योंकि एडजॉइंट में रिवर्स में और ट्रांसपोज में ये पार्टी ऊपर नीचे, पहले बी लिखना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा ए, तो दिस विल बी द राइट आंसर, लेकिन इसने पहले ए लिख रखा तो फर्स्ट विल बी द रॉन्ग, और भाई ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते तो उनका एडजॉइंट कैसे इक्वल हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। और अगला देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर एक मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, उसका डिटर्मिनेंट इनटू आई, तो आप देखेंगे वही चीज लिखी हुई है, तो ओनली थर्ड ऑप्शन ठीक है, तो बोला कितनी स्टेटमेंट ठीक है, तो आप भी देख सकते हैं भाई साहब सिर्फ एक ऑप्शन, एक स्टेटमेंट ठीक है। चलते हैं आगे। मिसिंग है क्या? मिसिंग है शायद, 82nd क्वेश्चन मिसिंग, तो 83 पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, हाउ मेनी फोर डिजिट नेचुरल नंबर, हाँ जी फोर डिजिट नेचुरल नंबर की बात हो रही है, जैसे फोर डिजिट की बात करिए 1, 2, 3, 4 लाइनें लगाएंगे। चलिए साहब आगे, इवन नंबर चाहिए हमें, इवन नंबर के लिए यहाँ पे कौन कौन सी पार्टी आ सकती है, यहाँ पे आ सकता है 2, 4 और 6 और 8, यहाँ पे सिर्फ चार नंबर, आप देखेंगे यहाँ पे जीरो भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो 5 इधर भी 5 इधर भी 5, तो आप देखेंगे जब ऑप्शन टिक करेंगे तो आपका आंसर आएगा 500। बड़ा इजी क्वेश्चन था, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर लेते हैं, अगर आप देखेंगे हमें सोल्यूशन निकालने हैं इसके, तो आप देखेंगे ये ए क्यूब प्लस ये लिखा हुआ किसका 10 का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको भी आता है, मेरे को भी आता है, चलिए साहब लगाइए, तो ए क्यूब का फॉर्मूला पहले तो ए प्लस
बी की बात करेंगे, ये हो जाएगा 10। और आगे अगला अगले वाली पार्टी क्या आती है, अगर उसमें याद कर तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी, और आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी है 0। और यहाँ से आपको एक रूट मिलने वाला क्या 90, और आप देखेंगे एक रूट 90 मिलने वाला, यहाँ से दो रूट मिलेंगे, दो रूट का हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन है जिसमें क्या है 90, तो ऑप्शन बी टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। हाँ जी साहब, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, हमारी शीट का ही क्वेश्चन है। हाँ जी, 1 + i की बार 4 है। अरे सर हमें तो ये पता है कि 1 + i स्क्वायर कितना होता है 2i, और 1 - i का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, हाँ जी -2i, और जिस दिन आपने इसमें वैल्यू पुट करी तो हो जाएगा 2i का स्क्वायर प्लस -2i का स्क्वायर, और आपको वैल्यू पुट करने वाले हैं तो आपका आंसर विल बी -8। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हाँ जी 86 क्वेश्चन, बात कर रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में तो पता ही आपको। हाँ जी चलते हैं, कहता ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक के 0 ही होते हैं। चलिए साहब आगे, द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इज 0। हाँ जी बिल्कुल सही बात है सर, सारे एलिमेंट 0 हैं तो ये क्या कर लेगा। अब बात कर रहा हूँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आपके बारे में पता हो तो क्या होता है A×A transpose = i, मतलब इसमें A ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है A इनवर्स के। और सर आप A इनवर्स की बात आप तभी कर सकते हो जब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए नॉट इक्वल टू 0। लेकिन आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर की है, कौन सी ऑर्डर की भाई साहब, ऑड ऑर्डर की, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 0। इसका मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करना यहाँ पे क्या है बेकार, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, तो आप ए टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। चलिए साहब 87 अगेन PNC क्वेश्चन, PNC के बड़े हल्के क्वेश्चन आए इस बार, देखते हैं आगे। हाउ क्या बोल रहा है, 4-digit नंबर बनाइए, किससे डिविजिबल होना चाहिए 4 से, इन्हीं से याद करनी है। 4 से डिविजिबल होने के लिए आपको पता है जो लास्ट के 2 digit है वो किससे डिवाइड होना चाहिए 4 से, तो आप देखेंगे लास्ट के 2 digit क्या क्या हो सकते हैं, या तो हो सकता है 12 या हो सकता है 32। अच्छा सर और कुछ, हाँ और कुछ भी आएगा, क्या आएगा सर 52। और इसमें देखेंगे इसमें आपको कितने केस मिलने वाले हैं, बाकी दो पार्टियां बची कौन कौन सी, तो उसमें दो ही केस इसके बनने वाले हैं और दो ही केस इसके, तो टोटल आप देखेंगे 6 केस बनने वाले हैं, 6 को टिक करेंगे डी ऑप्शन और आगे बढ़ेंगे। हाँ जी साहब रिमाइंडर, ये बड़ा ही अच्छा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और लास्ट के 3 ईयर से क्वेश्चन आ रहा है नंबर सिस्टम से। चलिए साहब आइए इसको बड़ी इजी ट्रिक से आप बताता हूँ आपको मैं, 2 की पावर 120 को हमने किससे डिवाइड करना है 7 से, हमने चेक करना है रिमाइंडर। अब वैल्यू थोड़ा निकालने बैठ जाएंगे, तो आप देखिए 2 की पावर इसको लिखिए 3 और क्या बचा सर 40। हाँ जी बिल्कुल, ये हो गया 8/7 की पावर कितनी है 40, और 8 को जब 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, और 1 की पावर 40 कितना होता है ओनली 1, तो रिमाइंडर कितना आया 1। बड़ा इजी क्वेश्चन, चले आएंगे। ये मिसिंग है क्वेश्चन, चलिए 90th क्वेश्चन इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल NCERT क्वेश्चन डाल दिया भाई साहब NDA वालों ने। आप देख सकते हैं B+C अगर ABC ट्रायंगल किस एंगल कौन से ट्रायंगल के हैं, तो आप लिख सकते हैं B+C को क्या लिख सकते हैं 180 - A। जिस दिन आपने इसको 180 - लिखा तो इसको आप माइनस किससे रिप्लेस कर सकते हैं, tan 180 - A को आप रिप्लेस किससे कर सकते हैं माइनस का tan A से। और जब आप माइनस का tan A से रिप्लेस करेंगे और डिटर्मिनेंट को सोल्व कर दो सिंपल, क्योंकि 1 0 ऑलरेडी है वो हमारी हेल्प करेगी, एंड आप देखेंगे सब कुछ कैंसिल हो जाएगा इसका और आप बी ऑप्शन पाएंगे एज योर आंसर। तो ठीक है, चलिए सर आप आइए, थैंक यू एवरीवन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में क्या बोला है हमको, ए और बी हमारे पास में क्या है इज द सेंटर, एंड सी जो है हमको क्या दे रखी है दिस इज रेडियस, हमको ये रेडियस गिवन है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोगों को पता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको पता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = हमारा 0 आता है। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट जो हैं वो क्या मिलेंगे -g, -f मिलेंगे। अब -g, -f से मैंने अगर कंपेयर करवाया तो मैं ये देख सकता हूं कि a का जो वैल्यू मिलेगा मुझे वो कितना मिलेगा -1 मिलेगा, और जो b का वैल्यू है वो मुझे मिलेगा -3। और हमें पता है जो रेडियस है वो हमारे पास क्या होती है, रेडियस होती है √f² + g² - c होती है। तो इससे मैंने रेडियस अगर देखी तो r का वैल्यू, यानी कि यहां पे मुझे रेडियस c दे रखी है, तो c का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा √1 + यहां से हो जाएगा मेरे पास में 9, और माइनस
यहां से मेरे पास कितना बन जाएगा, देखिए सी का जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गया 1, तो मैंने अगर देखा तो रेडियस आ गई 3। अब जब मैं यहां पे वैल्यू रखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा ए ऑप्शन 19 आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास में, नेक्स्ट देखिए क्या है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा एलएमएन जो है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस है और जो हमारे पास प्लेन का इक्वेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मेरे पास में इक्वेशन दे रखा है। हमको ये बताना है वैल्यू क्या होगा और ये जो नॉर्मल है हमको पता है जब भी हमारे पास ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 अगर ये हमारे पास में किसी भी प्लेन का इक्वेशन है तो नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या हो जाएंगे एबीसी हो जाएंगे और जब हमारे पास एबीसी आ जाते हैं तो हम यहां से क्या कर सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस भी निकाल सकते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या बनेंगे देखिए ये तो बन गया 2 माइनस 3 और 6 तो हमारे पास बन गया डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियोज जब मैंने यहां पे देखे तो ये मिल गए तो मैं डायरेक्शन कोसाइंस अगर निकालूंगा तो 2 अपॉन यहां से कितना हो जाएगा रूट अंडर मैंने यहां पे डायरेक्शन कोसाइंस निकाले तो हो जाएंगे 4 प्लस यहां हो जाएगा 9 और यहां हो जाएगा 36 तो यहां से बनेगा 7 तो यहां से मैंने नेक्स्ट लिख दिया माइनस 3 अपॉन 7 एंड 6 अपॉन 7 ये मेरे पास में बन गए और जब मैंने यहां पे वैल्यू पुट की तो वैल्यू पुट करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा देखिए यहां पे मेरे पास आ जाएगा बी ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं आप 95 देखिए 95 में हमारे पास क्या है एक लाइन हमको दे रखी है जो किस पॉइंट से पास हो रही है ये लाइन जो पास हो रही है वो हो रही है पॉइंट 1, -1, -2 से पास हो रही है एंड डायरेक्शन रेशियोज जो दे रखे हैं लाइन के वो हमको दे रखे हैं 3, 2, 2 दे रखे हैं। अगर हमको पता है जब भी हमारे पास में लाइन के पॉइंट हो और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो तो हम यहां से क्या कर सकते हैं x माइनस 1 अपॉन 3 ये लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस लाइन पे हम लोग क्या कर सकते हैं एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं जिस पॉइंट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे इस जो इंटरसेक्शन होगा प्लेन का और लाइन का वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये देखा तो यहां से मैंने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट की और यहां से पहले मैंने पॉइंट कैलकुलेट किया तो एक्स का जो सबसे पहले वैल्यू है मेरे पास में वो क्या बनेगा देखिए तो एक्स का वैल्यू मेरे पास मिल जाएगा 3λ+1 एंड वाई का जो वैल्यू है वो मेरे पास मिल जाएगा 2λ-1 एंड जेड का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 2λ+2। ये वैल्यूज मैं कहां करूंगा पुट ये वैल्यूज मैं पुट करूंगा इस हमारे प्लेन के अंदर तो जब मैंने प्लेन के अंदर पुट किया तो लैम्डा का वैल्यू मुझे मिलेगा 1। अब लैम्डा का वैल्यू जो 1 है वो लैम्डा का वैल्यू 1 पुट हम किस में करेंगे यहां ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है इसमें पुट करेंगे और जब हम पॉइंट में पुट करेंगे इन वैल्यूज को तो हमारे पास मिल जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द नंबर ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू 5 एंड xy प्लेन है हमारे पास तो देखिए x इज इक्वल टू 5 जो है वो हमें एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक प्लेन तो देखिए ये भी एक प्लेन है और xy भी एक प्लेन है तो जब दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स इंटरसेक्शन के आते हैं तो यहां पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में हमें फाइंड आउट करना है P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन विच पासिस थ्रू 1, 0, 0, 0, 1, 0 एंड 0, 0, 1 तो हमें क्या निकालना है 3P² फाइंड आउट करना है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम ये देख पा रहे हैं कि x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस अगर हमारे पास में तीनों हैं और उनपे पॉइंट्स अगर हमको पता है तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करके इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं और इंटरसेप्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग यहां इंटरसेप्ट 1, 1, 1 होंगे और ये इंटरसेप्ट अगर 1, 1 है तो x अपॉन 1 प्लस y अपॉन 1 प्लस z अपॉन 1 ये मेरे पास में क्या हो जाएंगे z अपॉन 1 ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। तो यहां से मैंने बोल दिया x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1 इसका इक्वेशन बनेगा। अब जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का किसी भी पॉइंट की किसी भी प्लेन से वो होती है हमारे पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन यहां से बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस डिस्टेंस से जब हम पी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 अपॉन रूट 3।
इस 1/√3 को मैंने यहां रखा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन इसका। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया है एक वेरिएबल लाइन है जो किससे पास करती है, हमारे पास दो लाइंस है उनके इंटरसेक्शन से पास करती है और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे कट करती है। तो हमें जो इंटरसेक्शन मिलेगा उस इंटरसेक्शन, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो इंटरसेक्शन मिलेंगे उनका मिड पॉइंट हमको लेना है। तो जब भी हमें लोकस फाइंड आउट करना होता है तो हम लोकस को क्या कर लेते हैं, एच कोमा के अज्यूम कर लेते हैं। फिर अज्यूम करने के बाद में हमें क्या करना होता है, एच और के में हमको एक इक्वेशन बनानी होती है जिसमें कोई भी अननोन ना हो। तो देखिए यहां से सबसे पहले मैंने क्या किया, पेयर ऑफ यहां से देखना एक्स प्लस टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन है, और टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस वाई और माइनस वन इज इक्वल टू जीरो दूसरी इक्वेशन है। अगर मैं यहां से एक वेरिएबल लाइन अगर बनाऊं तो मैं ऐसे बना सकता हूं एक्स प्लस टू वाई माइनस वन प्लस लैम्डा टाइम्स टू एक्स माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहां से अगर मैंने देखा तो x जो है हमारे पास में x के साथ में क्या कोफिशियंट आएगा, 1 प्लस टू लैम्डा। इसी तरीके से प्लस y के साथ जो कोफिशियंट आएगा वो कितना आएगा, 2 माइनस लैम्डा, एंड प्लस इसी तरीके से माइनस वन और माइनस लैम्डा हमारे पास कोफिशियंट आ जाएगा तीसरा। अब देखिए यहां से मैंने x इंटरसेप्ट अगर देखा, x एक्सिस पे कितना कट कर रहा है अगर वो देखा हमने, तो यहां बन जाएगा 1 प्लस लैम्डा अपॉन 1 प्लस टू लैम्डा बन जाएगा। और इसी तरीके से y इंटरसेप्ट अगर मैंने देखा तो ये बन जाएगा 1 प्लस लैम्डा अपॉन 2 माइनस लैम्डा। अब ये मेरे पास और x और y की वैल्यूज आ गई, तो यहां वाला एक पॉइंट मिल गया मुझे और यहां वाला एक पॉइंट मिल गया। अब ये दोनों पॉइंट्स मिल गए तो इनका मिड पॉइंट लगा के हम ये वाला पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं और वहां से हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जब हम लैम्डा को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास बी ऑप्शन आंसर बनेगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, टू पॉइंट्स पी एंड क्यू लाई ऑन द लाइन, एक लाइन दे रखी है हमको y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो देखिए अगर किसी भी लाइन पे हमको एक पॉइंट अगर कंसिडर करना हो तो हम किस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, पहला पॉइंट तो मैं ले सकता हूं x, और अगर मैंने x लिया तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं इसका y कोऑर्डिनेट 2x प्लस 3 लिख सकता हूं क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने ये पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को मैंने, अब हमें ये बोला है कि इस लाइन पे हमको क्या करना है, दो पॉइंट्स P और Q बताने हैं इस लाइन पे जो लाई करते हैं, जिनकी डिस्टेंस R जो है, R हमारे पास है पॉइंट R 1.5, उससे जो डिस्टेंस है वो कितनी रहे, जिसकी दो यूनिट रहे। तो मैं क्या करूंगा, यहां से इस डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा और डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर का रूट बन जाएगा। तो यहां से मैंने वो फॉर्मूला लगाया तो मेरे पास क्या बनेगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस यहां से बन जाएगा 2x प्लस 3 और माइनस 5 का होल स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज मिलेंगी और वो वैल्यूज क्या क्या होंगी हमारे पास में, वो वैल्यूज हमारे पास बन जाएंगी x इज इक्वल टू, एक तो आ जाएगा देखिए इस a के अकॉर्डिंग आ जाएगा हमारे पास में, जिसमें हमारे पास 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 5, 3 प्लस 2 अपॉन रूट 5 बन जाएगा, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में माइनस 1 माइनस 2 अपॉन रूट 5 बन जाएगी। तो ये वैल्यूज मेरे पास बनेगी और इनको कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर हम किस में पुट करेंगे, इस y के वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन इसका बन जाएगा। तो ये हमारा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब पॉइंट जो है हमारे पास में, ये पॉइंट ऐसे नहीं है, ये पॉइंट है साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा, इस तरीके से हमारे पास पॉइंट है और परपेंडिकुलर लाइन हमको बनानी है इसके परपेंडिकुलर। अब हमको पता है जब भी कोई लाइन इस तरीके से दे रखी हो तो उसकी परपेंडिकुलर अगर लाइन हमको बनानी हो तो हम किस तरीके से ले सकते हैं उस लाइन को, उस लाइन को हम ले सकते हैं एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस तरीके से ले सकते हैं। तो हमने ये एक लाइन अज्यूम कर ली। अब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे है तो इस पॉइंट की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट, तो मैंने यहां से ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करवा दिया। तो पॉइंट सेटिस्फाई करवाने के बाद में मुझे सी का वैल्यू जो मिला वो मिला माइनस वन। तो ये जो माइनस वन वैल्यू है अगर यहां पुट करूंगा तो मुझे बी ऑप्शन करेक्ट मिलता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में देखिए ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए यहां पर हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसके अंदर आया हमारे पास 3 cos x
प्लस 4 साइन एक्स आया है, और इसी तरीके से डिनोमिनेटर जो है हमारे पास ये आया है 2 cos x प्लस 5 sin x। अब हमें पता है ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है उसको हमेशा हम कन्वर्ट करते हैं a मल्टीप्लाइड बाय, जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वो एज इट इज लिख देना होता है। तो पहले तो डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया हमने 5 sin x एज इट इज, एंड देन उसके बाद में प्लस b, और इसके साथ में अब डिनोमिनेटर जो है उसका डेरिवेटिव लेना होता है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो बनेगा माइनस 2 साइन एक्स, एंड यहां से आ जाएगा प्लस, यहां से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा डेरिवेटिव करूंगा तो ये आ जाएगा 5 कॉस एक्स। तो इस तरीके से हमने ए और बी निकालना है, और जब हम ए और बी निकालेंगे यहां से तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन बनेगा वो इसी तरीके का बनेगा। तो अल्फा और बीटा से कंपेरिजन करने के बाद में मैं ये बोल सकता हूं कि 101 का जो आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा 26, और ये जो बीटा का जो आंसर है हमारे पास, यानी कि 102 का जो आंसर है, बीटा का जो वैल्यू है वो कितना बनेगा 7। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में 105 एंड 106 इसको देखते हैं। देखिए यहां पे हमें एक फंक्शन दे रखा है जी एक्स एक्स माइनस 1 बाई एक्स, और एफ के अंदर, एफ ओ जी का मतलब क्या होता है, एफ के अंदर हमने जी को इंसर्ट करना है। तो जब हम g को इंसर्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या दे रखा है, x क्यूब माइनस 1 बाई x क्यूब। अब हमें पता है कि ये जो f का जो फंक्शन बन रहा है इसको हमें ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें g आ रहा हो, g के टर्म्स आ रहा हो। तो g के टर्म्स में अगर हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये इस तरीके से बनेगा कि x, अब देखिए x क्यूब माइनस 1 बाई x क्यूब है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं x माइनस 1 बाई x का होल क्यूब एंड यहां से प्लस का 3x माइनस 1 बाई x लिख सकता हूं। और हमने ये क्या कर लिया, इस फंक्शन को इसी टर्म में x माइनस 1 बाई x की टर्म्स में ही कन्वर्ट कर लिया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं फंक्शन fx जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, x क्यूब प्लस 3x बन जाएगा। अब यहां से मैंने fx का वैल्यू यहां पे रखा अगर, तो g ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, x क्यूब प्लस 3x माइनस 3x बन जाएगा, 3x से 3x हमने कैंसिल आउट कर दिया। और जब हमने g के अंदर वैल्यू रखा x क्यूब तो ये जो टर्म बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, a ऑप्शन बन जाएगा। और इसी तरीके से हमने अगर इसका डबल डेरिवेटिव किया, एफ डैश एक्स करेंगे अगर, तो हमारे पास कितना बनेगा, इसका जब डेरिवेटिव किया तो कितना बनेगा 3x स्क्वायर एंड प्लस का 3 बनेगा। और इसी के साथ जब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 6x बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, बाकी हमारे सर करेंगे और आगे वाले। जय हिंद बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे 107। देखिए 107 में एक क्वेश्चन है पैराग्राफ में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस, देखिए 107 में क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, ये देखो इसमें एरर है, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन गिवन है, करेक्ट क्वेश्चन ये मोड एक्स प्लस 1 है, और जी एक्स इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ से, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1, देन ये एच ऑफ एक्स इक्वल टू डिफाइन ये। अब क्वेश्चन देखना है ये 107 में क्या दिख रहा है, फर्स्ट क्या बोला है, एफ एक्स इज डिफ्रेंशियबल फॉर ऑल एक्स लेस देन 0, तो यहाँ से आप एफ एक्स को बेटर डिफाइन कर सकते हो, ये क्या बन जाएगा, जब x अगर नेगेटिव हो गया, x लेस देन 0 तो मोड x कैसे बन के बाहर आता है, माइनस x बन के बाहर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस x प्लस 1, और वेन x ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1। अब ये बात करा कि जब x क्या हो लेस देन 0 तो ऑलवेज ये फंक्शन क्या है, डिफ्रेंशियबल है, x नेगेटिव के लिए क्या है, ऑलवेज डिफ्रेंशियबल। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका क्या है, करेक्ट। तो ये बोल क्या रहा है, अब सेकंड में क्या बोल रहा है, जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0.01, तो जी एक्स में क्या दे रखा है, यहाँ पे जी एक्स फंक्शन क्या दे रखा है अपने को, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इस इंटरवल के अंदर एट एक्स इक्वल टू 0.1 पे क्या हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो ये क्या होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और ये बोल रहा है डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2.5 पे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, एक स्टेप फंक्शन होता है, उसको अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, 0, तो इसका जीरो डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, जी डैश एक्स किसी भी पॉइंट पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या बन जाएगा, 0, और ये क्या दे रखा है 1, तो ये क्या हो गया, गलत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट इसी में देखिए 108 ये बोल रहा है कि लिमिट एच टेंस टू 0 नेगेटिव, तो एच फंक्शन क्या दे रखा है यहाँ पे, एच एक्स क्या बन जाएगा, एफ एक्स क्या दे रखा है, मोड ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन में जी एक्स, तो जी एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1 गिवन है यहाँ पे, तो ये क्या दे रखा है यहाँ से, लेफ्ट हैंड लिमिट
तो लिमिट ऑफ अगर हम इसकी बात करें x टेंस टू जीरो नेगेटिव पे, अगर हम इसकी बात करें तो जब x जीरो से नेगेटिव हुआ तो मोड x क्या बन के बाहर आएगा, यहाँ से माइनस x बन के बाहर आ जाएगा प्लस वन अपॉन में, ये क्या बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो के लिए, जीरो से लेस देन के लिए क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे क्या बनेगा माइनस वन, और ये क्या है माइनस वन, क्या बन गया माइनस वन प्लस माइनस वन क्या बना माइनस टू, और जैसे ही आपने x की लिमिट जीरो पुट की तो ये क्या बन जाएगा माइनस का वन बाई टू, यहाँ से क्या आ गया माइनस का वन बाई टू प्लस इसने क्या दे रखा है प्लस, यहाँ से ये लिमिट कैलकुलेट करनी है h, यहाँ पे भी ये एच एक्स है यहाँ पे, तो जीरो पॉजिटिव के लिए आप बात करोगे तो यहाँ पे ये एच एक्स क्या बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो पॉजिटिव पे क्या बन जाएगा x प्लस वन अपॉन में, जीरो पॉजिटिव के लिए क्या बन जाएगा रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या बन जाएगी जीरो, ये आ जाएगा वन, और जैसे आपने जीरो पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आएगी माइनस वन, तो ये ओवरऑल अगर आप इसको ऐड करोगे तो माइनस वन बाई टू और माइनस वन तो कितना बन जाएगा माइनस का थ्री बाई टू, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन माइनस थ्री बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109, ये क्या दे रखा है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन, ये फाई ए इक्वल टू लिमिट दे रखा है इंटीग्रेशन ए टू ए प्लस 100 फाई मोड ऑफ साइन एक्स, तो हमें पता है कि मोड ऑफ साइन एक्स क्या होता है, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसका पीरियड क्या होता है देख ये क्या है मोड एक्स क्या होता है, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसका पीरियड क्या होता है पाई, और जब यहाँ से प्रॉपर्टी पता है तो ये क्या बन जाएगी यहाँ से डायरेक्ट ये लिमिट बन जाएगी जीरो टू हंड्रेड, तो हंड्रेड क्या आ जाएगा इसका बाहर आ जाएगा पाई मोड ऑफ साइन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होती है टू, तो ये क्या हो गया टू इन टू हंड्रेड क्या कितना बन गया टू हंड्रेड, तो इसका आंसर क्या होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ से ओवरऑल अपने पास फाइव ए की वैल्यू कितनी आ गई टू हंड्रेड। अब नेक्स्ट में क्या पूछा डेरिवेटिव फाइव डेस ए पूछा है, तो ये फाइव ए क्या वैल्यू आई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा फाइव डेस ए की वैल्यू क्या बन जाएगी जीरो, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 क्वेश्चन नंबर 111 लेट y1x एंड y2x बी द टू सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, टू सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के गिवन है यहां पे, और y10 इक्वल एंड y10 इक्वल टू यहाँ पे y10 की वैल्यू बेटा गिवन है जीरो और y20 की वैल्यू गिवन है फोर, ये बोला देन द नंबर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कर्व y1x एंड y2x, तो जब भी अगर हम बात करें फैमिली ऑफ कर्व की तो फैमिली ऑफ कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा और कभी भी वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं करते, इसमें क्या होगा नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 ये बोला है यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन वाई ये कर्व गिवन है यहाँ पे वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू ए कोस एक्स, ये गिवन है, जब भी अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी अपने पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, तो सी आंसर इसका क्या होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 ये देखिए में गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एंड जी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी आर सच दैट एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स गिवन है, जब भी अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स तो आपके पास फंक्शन बनेगा ये, अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो एफ ऑफ जी एक्स के मीन्स क्या हुआ यहाँ पे एफ एक्स के अंदर आप क्या रख दो एक्स की जगह जी एक्स पुट करोगे तो ये बन जाएगा ए इंटू सी एक्स प्लस डी माइनस बी इक्वल टू क्या बन जाएगा सी इंटू ए एक्स प्लस बी
प्लस डी, और ऐसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या बन गया ए सी एक्स, और यहाँ पे भी ए सी एक्स, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये बन गया ए डी माइनस बी इक्वल टू क्या बन गया बी सी प्लस डी, और इसको आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा ए डी माइनस बी सी माइनस बी माइनस डी इक्वल टू जीरो, और ये यहाँ से ऑप्शन में गिवन है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एफ डी प्लस जी बी इक्वल टू टू डी, तो ये क्या करेगा इसको सेटिस्फाई, इसका आंसर होगा करेक्ट डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, ये यहाँ से क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है जब लिमिट क्या हो माइनस ए टू ए, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ओड इवन पे हम चेक करते हैं फंक्शन, यहाँ से देखो ना साइन एक्स भी ओड फंक्शन है और ये साइन साइन थ्री एक्स भी क्या है ओड फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू अगर हम चेक कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा आंसर इसका जीरो, तो इसमें बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यस देखो ये 115 क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे डिग्री, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हमें क्या बतानी है डिग्री बतानी है, तो यहाँ से देखो इसकी पावर दे रखी है फ्रैक्शन में दे रखी है, तो आप इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो ये आप पे क्या बन जाएगा इसको, तो ये बन इसकी वैल्यू बन जाएगी अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा 6/10, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 3/5, और आपको इसको क्या करना है बोथ साइड क्या करना है इसकी होल पावर 5 करनी है, तो इसकी ऑर्डर क्या बन जाएगा, और इसकी ऑर्डर का क्या इसका ऑर्डर तो क्या है 2, और डिग्री क्या बन जाएगी इसकी 5, डिग्री क्या बन जाएगी यहाँ से 5, तो ये कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है ऑर्डर 2 एंड डिग्री 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 117, ये क्या क्वेश्चन गिवन है पी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एंड क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी मोड ऑफ एफ एक्स डी एक्स वेयर इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है ई की पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है ई की पावर ऑफ माइनस एक्स, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा ये बनेगा, यहाँ से मान लो सपोज ए से बी के बीच में दे रखा है एक्स इक्वल टू ये दे दिया एरिया और ये एक्स इक्वल टू क्या दे दिया बी, और अगर ये क्या आ गया ई की पावर एक्स का ये एरिया आ गया यहाँ से, तो ये क्या आ रहा है ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है पी, और अगर हम इसका मोड ले लेंगे इसका क्या ले मोड, मोड का मीन्स एफ ऑफ मोड एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा ई की पावर ऑफ माइनस मोड एक्स आएगा, तो ये भी क्या आएगा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, मतलब दोनों का एरिया क्या रहेगा सेम रहेगा, मतलब पी और पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू क्या रहेगी सेम, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आ रहा है करेक्ट डी ऑप्शन करेक्ट होगा पी इक्वल टू क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, यहाँ से बोला इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये भी आसान है, वॉट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 ए साइन एक्स, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है किंग प्रॉपर्टी, वो क्या होती है अगर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गया तो आप इसमें क्या कर सकते हो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स अगर आप अप्लाई करोगे तो ये इंटीग्रेशन सेम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमीटर में ये चेंज नहीं होने वाला, आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे और फिर दोनों को क्या कर देना ऐड करना और सोल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 4, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, ये बोला था नन नेगेटिव वैल्यूज फॉर वी, क्या गिवन है यहाँ पे नन नेगेटिव वैल्यू फॉर वी विच ऑफ द फंक्शंस, ये गिवन है यहाँ पे हैज नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, अगर ये मान लो कि ये फंक्शन मैंने एफ एक्स अज्यूम किया तो एफ डैश एक्स इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बन जाएगा 16x स्क्वायर माइनस का 8bx प्लस 1, ये रिपीट हो गया यहाँ से, ये वापस यहाँ पे रिपीट हो गया, ठीक है। जब भी अगर हम मैक्सिमम मिनिमा का मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे, बट इसने क्या बोला नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, मतलब इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, और ये कैसी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, कोई भी इसका रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, रियल सॉल्यूशन नहीं होगा मतलब इसका क्या होगा डी लेस जीरो होगा, डी क्या होगा नेगेटिव, जब भी अगर आप ये कंडीशन अप्लाई करोगे तो आपके आपके पास आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर में, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ मोड एक्स माइनस एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू क्या है 1 अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स माइनस मोड एक्स गिवन है, तो ये बोला क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है आपके, ये बोले फर्स्ट ए ऑप्शन में क्या है एफ एक्स हैज सम डोमेन एंड जी एक्स हैज नो डोमेन, तो जब भी आपके पास क्वेश्चन गिवन है 1 अपॉन में रूट
सपोज इस टाइप का हो, वन अपॉन में रूट ए टाइप का आ गया, तो सबसे पहले इसका डोमेन फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या होती है, ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम इस पर कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक्स लेस देन क्या आ गया, मोड ऑफ एक्स। तो ये वैलिड कंडीशन है, मतलब ऑल रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगी ये कंडीशन। अब सेकेंड के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये क्या आ रहा है, एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स को ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से मोड ऑफ एक्स क्या आ रहा है, लेस देन एक्स, तो ये क्या है, कंडीशन वैलिड ही नहीं है, मतलब इसका डोमेन हम फाइंड नहीं कर सकते, और एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, डोमेन। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, एफ एक्स हैज सम डोमेन एंड जी एक्स हैज नो डोमेन, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये अपना पेपर का सोल्यूशन था लास्ट। थैंक यू सर। ओके सर, तो अभी सर ने मैथ्स का सोल्यूशन करवाया, एक क्वेश्चन मिस हो गया था सर का, मैं बताता हूँ ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 116 जो कि इसमें टाइप नहीं था, 116 नंबर, तो 116 नंबर का आंसर ए लिखना बेटा, ए रहेगा, ए फॉर एप्पल 116 नंबर का।